ओके आज हम स्टार्ट करेंगे डिजिटल लॉजिक. बेसिकली अगर डिजिटल लॉजिक मैं आपको बताऊं तो काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए, चाहे आप गेट एग्जाम की बात करो, चाहे यूजीसी नेट की बात करो, चाहे कोई भी पीएसयू एग्जाम की आप बात करो, हमेशा 4 to 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हो डिजिटल लॉजिक से. और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, काफी इजी क्वेश्चन आते हैं. तो आज हम स्टार्ट करेंगे डिजिटल लॉजिक. और डिजिटल लॉजिक में जो हमारा सीक्वेंस होगा वो बेसिकली होगा, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे बूलियन अलजेब्रा. बूलियन अलजेब्रा के बाद हम स्टडी करेंगे कॉम्बिनेशनल, देन सिक्वेंशियल. ओके सो बूलियन अलजेब्रा में सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या होगा, मिनिमाइजेशन टेक्निक्स को स्टडी करना. मिनिमाइजेशन टेक्निक्स अगर एक बार हम सीख जाएंगे तो उसके बाद थ्रू आउट द सिलेबस वो आपका यूज होता रहेगा. ठीक है, तो यहां पर सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले एक ब्रीफ रिव्यूजन लूंगा जो चीजें आपको ऑलरेडी आती हैं उनका. ठीक है, तो जैसे आप सपोज करो अगर मैं आपको बोलूं कि 0 × 0 क्या होता है, बेसिकली एंड ऑपरेशन, तो वो 0 होता है. 0 × 1 क्या होता है हमारा, 0. 1 × 0 क्या होता है आपका, 0. 1 × 1 क्या होता है हमारा, 1. सिंपल एंड ऑपरेशन. यहां पर हम लोग एंड गेट स्टडी नहीं कर रहे हैं, उसके लिए बहुत डिटेल में मैं आपको स्टडी करवाऊंगा लॉजिक गेट्स. यहां पर जस्ट ऑपरेशन हम रिवाइज कर रहे हैं जो हमें पहले से पता है. ठीक है, अगर मैं सिंपल से बात करूं और ऑपरेशन की, तो 0 + 0 = 0 होता है, 0 + 1 = 1 होता है, 1 + 0 = 1 होता है, और 1 + 1 भी क्या होता है आपका, 1. मीन्स और ऑपरेशन में अगर कोई भी एक 1 हो तो आपका आंसर हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है. ठीक है, नाउ अगर मैं सिंपल से एक बात करूं कि a × a बार कितना होता है, मीन्स वेरिएबल इंटू वेरिएबल का बार, तो ये कितना होता है हमारा, 0. कैसे होता है 0, अगर आपका a 1 है तो a बार क्या होगा, 0 होगा, और अगर a 0 है तो a बार क्या होगा, 1 होगा. मीन्स कोई ना कोई एक 1 होगा और कोई ना कोई एक 0 होगा. और हम जानते हैं एंड ऑपरेशन में अगर कोई भी एक 0 आ जाए तो आंसर क्या होता है आपका, 0 आता है. ठीक है, सिमिलरली a + a बार की अगर बात करें तो अगर आपका a 1 है तो a बार 0 होगा, और अगर a 0 है तो a बार कितना होगा, 1 होगा. इसका मतलब कोई ना कोई एक 1 जरूर होगा, और ऑपरेशन में अगर कोई भी एक 1 होता है तो आंसर हमारा कितना आता है, हमेशा 1. ठीक है, नाउ एक और पॉइंट जो आपको पहले से पता होना चाहिए या हम रिवाइज कर लेते हैं सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, वो ये है आपका कि अगर मैं बात करूं a × a कितना होगा, तो a × a क्या होना चाहिए. देखिए जब भी कोई वेरिएबल हो ना तो हमें क्या करना चाहिए, वेरिएबल की वैल्यू एक बार 1 पुट करनी चाहिए और एक बार 0, और देखना चाहिए आंसर क्या आ रहा है. जैसे मान लो a आपका 1 है तो 1 × 1 कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा. ठीक है, और अगर a 0 है तो 0 × 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. मतलब a 1 है तो आंसर भी 1 है, a 0 है तो आंसर भी क्या है आपका, 0 है. इसका मतलब जो a है वही आपका आंसर है. ठीक है, अब a × a × a की बात करें अगर तो वो कितना हो जाएगा, अगेन a × a × a भी क्या हो जाएगा आपका, a. और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं जब हम बूलियन के इक्वेशन मिनिमाइज करेंगे तो वहां आपको बहुत हेल्प मिलेगी. सपोज करो बूलियन के इक्वेशन मिनिमाइज करते टाइम कोई टर्म आपका बार बार मल्टीप्लीकेशन में रिपीट हो रहा है, abc × abc × abc, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसे सिर्फ और सिर्फ लिख सकते हो abc. क्लियर है, मींस कोई टर्म अगर मल्टीप्लीकेशन में बार बार रिपीट हो रहा हो तो उसे आप सिर्फ एक टर्म से रिप्लेस कर सकते हो. ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए पहले से ही जानना. सिंपली अगर मैं बात करता हूं यहां पर a + a कितना होता है, तो अगर a 1 होगा तो 1 + 1 कितना होता है आपका, 1, और अगर a 0 होगा तो 0 + 0 कितना होता है, 0 होता है. इसका मतलब जो a है वही आपका क्या है, आंसर है. ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, a. तो a + a कितना हो जाएगा आपका, a. सिंपली अगर बात करें a + a + a, ये भी कितना हो जाएगा आपका, a हो जाएगा. क्लियर है यहां तक. नाउ इससे आपको फायदा क्या होगा, जब भी आप बुलियन के कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो a b c + a b c + a b c,
अगर कोई टर्म आपका बार बार रिपीट होता है तो उसे आप क्या कर सकते हो, एक सिंगल टर्म से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो बुलियन के इक्वेशन में अगर कोई टर्म एडिशन में बार बार रिपीट हो रहा हो तब भी उसको आप एक सिंगल टर्म से रिप्लेस कर सकते हो, और अगर मल्टीप्लीकेशन में बार बार रिपीट हो रहा हो तब भी उसको आप एक सिंगल टर्म में रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले ये आपको इंपॉर्टेंट चीजें हर हाल में पता होनी चाहिए। ठीक है, और जैसे एक डाउट है कि बार का मीनिंग क्या होता है, तो जैसे हम यहां पर बार लिखे हैं ए इंटू ए बार, बार का मीनिंग ये होता है कि सपोज करिए अगर आपका वेरिएबल वन है, ए अगर आपका वन है तो ए बार क्या होगा, जीरो होगा। डिजिटल में या तो जीरो होगा या तो वन होगा। ठीक है, तो बार का मीनिंग होता है अपोजिट, कॉम्प्लीमेंट। अगर ए वन है तो ए बार जीरो, ए जीरो है तो ए बार वन। ठीक है, तो यहां तक सबको क्लियर है अच्छे से, इसमें किसी को कोई डाउट है? फिर अब हम अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे बुलियन का। तो बेसिकली बुलियन अलजेब्रा जो हमारा पहला टॉपिक है, ठीक है, उसमें हमें यहां पर करना क्या है, उसमें हमें यह करना है कि हमें सबसे पहले मिनिमाइजेशन टेक्निक्स पढ़नी है। ठीक है, तो मिनिमाइजेशन टेक्निक्स क्या होती है आपकी? मिनिमाइजेशन टेक्निक्स का मतलब यह है कि आपको लॉन्ग लॉन्ग लॉजिकल एक्सप्रेशन होंगे, ठीक है, उसको आपको मिनिमाइज करना है, और इस तरह से मिनिमाइज करना है कि आपका आउटपुट क्या रहे, सेम रहे। ठीक है, तो मिनिमाइजेशन टेक्निक्स के लिए यहां पर थ्योरी कुछ नहीं है, बेसिकली आपके सिंपल सिंपल इक्वेशन के मैं एग्जांपल लूंगा और आपको उसे मिनिमाइज करते चलना है। ठीक है, तो यहां पर मिनिमाइजेशन टेक्निक्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सपोज करिए मैं यहां पर एक एक्सप्रेशन ले रहा हूं y, यहां पर y क्या है आपका, बेसिकली y आपका एक आउटपुट है। ठीक है, और ये ब्रैकेट में जो मैंने लिखा है a b c, बेसिकली ये y जो आउटपुट है वो a b और c पर डिपेंड करता है। ठीक है, बेसिकली a b c आप बोल सकते हैं कि इनपुट वेरिएबल्स है जिसमें आपका आउटपुट डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर मैं एक सिंपल सा एक्सप्रेशन ले लेता हूं, ए बी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार। ठीक है, और हमें यहां पर क्या करना है, अब हमें यहां पर इस एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो आपको करना यह है कि आपको सबसे पहले यह देखना है कि दो दो टर्म से क्या आप कुछ कॉमन ले सकते हैं, क्या कोई वेरिएबल्स कॉमन निकल रहे हैं। अगर कॉमन निकल सकते हैं तो आपको उसी फ्लो में आगे बढ़ना है। जैसे अगर आप देखोगे यहां ध्यान से, यहां पर टोटल आपके थ्री टर्म्स हैं। ठीक है, तो यहां पर सेकेंड और थर्ड टर्म में से आपका कॉमन आ रहा है ए बी का बार, देख लो सेकेंड टर्म में भी ए बी बार है और थर्ड टर्म में भी आपका ए बी बार है। तो बुलियन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या देखोगे कि क्या कुछ कॉमन निकल रहा है। तो यहां पर अगर आप देखो ध्यान से तो आपका ए बी का बार कॉमन आ रहा है और यहां पर क्या बचेगा आपका सी प्लस सी बार। ठीक है, तो सी प्लस सी बार जो आपका बच रहा है, तो मैंने आपको अभी स्टार्ट में क्या बताया सब्जेक्ट को चालू करने से पहले कि a प्लस a बार हो, मींस वेरिएबल प्लस वेरिएबल का बार हो, ठीक है, तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या होती है, वन होती है। ठीक है, जैसे कि अगर आपका c वन है तो c बार क्या होगा, जीरो, और अगर c जीरो है तो c बार क्या होगा, वन। तो वेरिएबल प्लस वेरिएबल का बार हमेशा क्या होता है आपका, वन होता है। ठीक है, तो यहां पर यह क्या बचेगा आपका, ए बी प्लस ए बी का बार। ठीक है, क्योंकि c प्लस सी बार हो चाहे a प्लस ए बार हो वो हमेशा क्या होगा आपका, वन होगा। नाउ अब अगर आप फिर से देखो
तो यहां पर आपका क्या कॉमन आ रहा है, यहां पर आपका कॉमन आ रहा है ए, तो क्या बचेगा आपका बी प्लस बी बार, ठीक है। अगेन आप देख सकते हो क्या बच रहा है आपका, वेरिएबल प्लस वेरिएबल का बार, और ये हमेशा आपका क्या होता है, वन होता है। तो यहां पर आपका क्या बच जाएगा, ये ए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है y a कॉमा b कॉमा c का, वो कितना आ रहा है आपका, a आ रहा है। तो यहां पर जो हमारा मेन इक्वेशन था वो क्या था आपका, ए बी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार, उसको हमने मिनिमाइज करते हुए क्या लिख दिया, a लिख दिया। तो मिनिमाइजेशन का बेसिकली मतलब क्या है कि जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन था और जो मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन है, दोनों ही केस में आपका आउटपुट सेम रहना चाहिए। अगर आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं मैं यहां पर, सपोज करिए कोई स्टूडेंट फैक्टोरियल का प्रोग्राम 100 लाइंस में लिखता है, कोई 7 लाइंस में लिखता है, और दोनों का आउटपुट अगर सेम आता है फैक्टोरियल का, तो कौन बेटर है, जो 7 लाइंस में लिख रहा है, ठीक है। बस यही है यहां पर, चाहे आप इस इक्वेशन का यूज करें चाहे इस इक्वेशन का, आपका आउटपुट सेम आना चाहिए, तभी वो मिनिमाइज्ड इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है। तो मिनिमाइजेशन टेक्निक संभालिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं आपको अब नेक्स्ट एग्जांपल देने जा रहा हूं, सपोज करिए y a कॉमा b कॉमा c आपको गिवन है यहां पर ए बी बार प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार डी, ठीक है। तो यहां पर आपको फिर से क्या देखना है, सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, सबसे पहला स्टेप यह होगा कि यहां पर आपको देखना है कि दो दो टर्म से क्या कुछ कॉमन निकल रहा है। अगर कुछ कॉमन निकल रहा है तो सबसे पहले आप उसी पर फोकस करो। तो यहां पर आप देख सकते हो कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म से, पहला टर्म है आपका ए बी का बार और लास्ट टर्म है आपका ए बी बार सी बार डी, दोनों ही टर्म से अगर आप देखोगे तो ए बी का बार आपका क्या आ रहा है, कॉमन, तो यहां पर क्या बचेगा आपका, वन प्लस सी बार डी, और जो सेकेंड टर्म है उसको आप एज इट इज लिख दो, ए बी सी बार, ठीक है। तो यहां पर वन प्लस सी बार डी क्या होना चाहिए, देखो हमने क्लास के स्टार्ट में आज क्या पढ़ा है, और ऑपरेशन, और ऑपरेशन और एंड ऑपरेशन, जो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो और ऑपरेशन में हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई भी एक वन हो, प्लस में अगर कोई भी एक वन हो, तो आपका ओवरऑल आंसर क्या होगा, हमेशा वन होगा, ठीक है। तो यहां पर वन प्लस सी बार डी है, तो सी बार डी की वैल्यू चाहे जीरो हो, चाहे सी बार डी की वैल्यू क्या हो, वन हो, ठीक है। तो हमेशा आपका आंसर क्या होगा, वन होगा, क्योंकि कोई एक आपका क्या है, वन है, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या बचेगा, ए बी बार, और ए बी सी बार आप एज इट इज लिख दोगे। यहां से एक और कंक्लूजन आप अपने माइंड में रख सकते हो कि वन प्लस सी बार डी जैसा लिखा है उसको हमने लिखा वन, यहां से आप एक और चीज क्या रख सकते हो माइंड में कि वन के साथ प्लस में अगर 1000 टर्म भी होते हैं तो उसको आप हमेशा क्या रखोगे, वन ही रखोगे। क्यों, क्योंकि और ऑपरेशन में, प्लस ऑपरेशन में अगर कोई भी एक वन आ जाए तो आंसर हमेशा क्या होगा आपका, वन ही होगा। तो आप कॉमन इस तरीके से भी ले सकते हो कि प्लस में कोई एक वन आ जाए बुलियन को सॉल्व करते टाइम, ठीक है। तो यहां पर अब अगर आप देखते हो क्या कॉमन आ रहा है आपका, ए, तो क्या बचा आपका, बी बार प्लस बी सी बार, ठीक है। तो यहां तक हमने सॉल्व कर लिया, अब क्या कॉमन लेने से और आगे हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये बचा आपका बी बार प्लस बी सी बार अंदर, तो और कुछ तो कॉमन आ नहीं रहा है, तो आपका और सॉल्व यहां पर नहीं हो पाएगा। लेकिन एग्जाम में यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, बुलियन के क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, वो क्या है, वो ये है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे बुलियन का, तो हो सकता है कि दो से तीन ऑप्शन आपके करेक्ट हो, बट आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना है, वो ऑप्शन जो सबसे ज्यादा मिनिमाइज्ड हो।
यहां पर अगर आप ध्यान से देखते हो तो हो सकता है कि एक ऑप्शन आपका ये वाला हो सकता है ये ऑप्शन भी अवेलेबल हो, और हो सकता है इसके बाद एक और स्टेप सॉल्व हो सकता हो और वो ऑप्शन भी अवेलेबल हो। तो अगर आप यहां तक सॉल्व करके रुक जाते हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, अगर इसका और सॉल्यूशन पॉसिबल है तो। तो बेसिकली आगे और कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं इसको समझने के लिए अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। और वो थ्योरम अगर आप एक बार समझ जाओगे, एक बार सीख लोगे, तो उसके बाद बुलियन में 90% क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन को मैं यहीं पर स्टॉप रख रहा हूं, ठीक है। इसमें भी और सॉल्व हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं वो हम थ्योरम को पढ़ने के बाद ही समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये जो थ्योरम होता है ये कहलाता है आपका ट्रांसपोजिशन थ्योरम, ट्रांसपोजिशन थ्योरम। अब ये थ्योरम है क्या, बेसिकली ये एक इक्वेशन ही है और कुछ नहीं। तो यहां पर मैं एक बुलियन इक्वेशन लिख रहा हूं, ए प्लस बी ए प्लस सी, ठीक है। तो इसको बिल्कुल आराम से हम समझेंगे। आप बोल सकते हो कि बुलियन को अगर सॉल्व करना है तो एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है आपके पास। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर गए तो आप मान के चलो कि बुलियन का आपका एक क्वेश्चन फिक्स हो गया एग्जाम में, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। तो यहां पर अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूं तो ए इंटू ए प्लस ए इंटू सी प्लस ए इंटू बी प्लस बी सी। बेसिकली मैंने किया क्या है, यहां पर दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां पर अगर आप देखो, मैंने आपको सिलेबस को शुरू करने के पहले ही ये समझा दिया है कि a इंटू ए कितना होता है आपका, a होता है, चाहे a इंटू ए कितनी बार भी रिपीट हो रहा हो मल्टीप्लीकेशन में या एडिशन में, तो आप क्या लिख सकते हो उसको, a। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, a प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी, ठीक है। अभी अभी हमने यहां पर देखा कि आप कुछ इस तरीके से कॉमन लो कि आपका एक टर्म जो है वो वन आ जाए। तो यहां पर अगर आप ऊपर देखते हो अभी, तो a प्लस ए सी प्लस ए बी, अगर आप इन तीनों से a कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा, वन प्लस बी प्लस सी, और जो प्लस बी सी है उसको आप एज इट इज लिख सकते हो, ठीक है। तो अगेन एक आपका वन आ गया, प्लस में अगर कोई भी एक वन आ गया तो इसका मतलब आंसर हमेशा क्या होगा आपका, वन होगा, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस पॉइंट को कि अगर और ऑपरेशन में मींस अगर प्लस वाले ऑपरेशन में कोई भी एक वन आप अचीव कर लो तो ओवरऑल आंसर आपका हमेशा क्या होने वाला है, वन ही होने वाला है। क्लियर यहां तक? तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी सी। तो ये वन प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा आपका, वन, और साथ में प्लस बी सी आपका एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, इसको आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी सी, ठीक है। तो यहां पर ये जो आपका आंसर आ रहा है ए प्लस बी सी, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से अंडरस्टैंड करना। ये बेसिकली थ्योरम था जिसे मैंने प्रूफ किया है बस, बट थ्योरम का आपको यूज करना सीखना है। यूज करना सीखना और प्रूफ करना दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हैं। तो हम लोग अब थ्योरम को यूज करना सीखेंगे, ये कहलाता है आपका ट्रांसपोजिशन थ्योरम। अब मेरी बात को अच्छे से सुनना, यहां पर देखो इस थ्योरम को हम लेफ्ट साइड से भी यूज कर सकते हैं, राइट साइड से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज करो अगर आप लेफ्ट साइड से यूज करना चाहते हो तो देखो किसी भी चीज को हमें रटना नहीं है, ठीक है। हमें क्या करना है, वेरिएबल्स के नाम को याद नहीं करना है, हमें सिर्फ फॉर्म समझना है, फॉर्मेट जो है थ्योरम का फॉर्मेट समझना है। वो क्या है कि अगर आपका दोनों ब्रैकेट्स में, या आपके दो ब्रैकेट्स हैं, दोनों ब्रैकेट्स में अगर एक वेरिएबल आपका कॉमन हो, दोनों ब्रैकेट्स में अगर एक वेरिएबल आपका कॉमन हो जो कि यहां पर है, वो कौन सा वेरिएबल है, ए है। ए आपका दोनों ब्रैकेट्स में क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो मैं उस कॉमन वेरिएबल को फर्स्ट वेरिएबल बोल रहा हूं, मान लो समझने के लिए। तो फर्स्ट वेरिएबल प्लस सेकेंड वेरिएबल इंटू फर्स्ट वेरिएबल प्लस थर्ड वेरिएबल, इसका आंसर हमेशा क्या लिखना है आपको, फर्स्ट वेरिएबल प्लस सेकेंड इंटू थर्ड। आप देख सकते हो ए फर्स्ट वेरिएबल था,
तो a प्लस बी था इंटू ए प्लस सी था, इसका आंसर हमने क्या लिखा, a प्लस सेकेंड इंटू थर्ड, मतलब b इंटू सी। तो यहां पर मैं आपको बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि आपको ना वेरिएबल्स के नाम याद नहीं रखने, वेरिएबल्स चाहे कोई भी हो, आपको सिर्फ फॉर्मेट देखना है। और यह भी ध्यान रखना, हो सकता है कि वेरिएबल्स आपका बार के फॉर्म में हो, उससे भी आपको कोई मतलब नहीं है, बस आपको यह देखना है कि दोनों के दोनों ब्रैकेट्स में एक वेरिएबल कॉमन होना चाहिए, दैट्स इट। उसके अलावा आपको और कुछ समझना नहीं है यहां पर। अब अगर मान लो आप राइट साइड से यूज करना चाहते हो, मतलब इस तरफ से यूज करना चाहते हो, तो इस तरफ आपको क्या देखना है, जस्ट वन प्लस टू का फॉर्म, मींस वन वेरिएबल प्लस टू वेरिएबल्स का मल्टीप्लीकेशन। तो वन प्लस टू का फॉर्म आपको देखना है। तो जब भी आपको वन प्लस टू का फॉर्म मिलेगा, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट में हो चाहे वो नॉर्मल हो, उससे आपको मतलब नहीं है। नॉर्मल का मतलब ए हो, कॉम्प्लीमेंट मतलब ए बार हो, तो चाहे वो बार के फॉर्म में हो, कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में हो, चाहे वो नॉर्मल फॉर्म में हो, आपको सिर्फ वन प्लस टू का फॉर्म देखना है। तो जब भी वन प्लस टू का फॉर्म दिखेगा तो आपको क्या लिखना है, वन प्लस सेकेंड ए प्लस बी इंटू वन प्लस थर्ड ए प्लस सी, ठीक है। अब मैं आपको इसका यूज दिखाता हूं, देखो ध्यान से। जो हमने लास्ट क्वेश्चन यहां पर स्टॉप कर दिया था, आप अगर देखोगे अंदर तो ये क्या है बेसिकली आपका, ये है आपका बी बार प्लस बी सी बार। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बार बार को नहीं देखना आपको, आपको सिर्फ फॉर्मेट देखना है। तो यहां पर ये फॉर्मेट क्या है, वन प्लस टू का फॉर्मेट, ठीक है, एक वेरिएबल प्लस टू वेरिएबल का मल्टीप्लीकेशन। तो आप आंसर क्या लिखोगे, वन प्लस सेकेंड, मतलब बी बार प्लस बी, जैसा आपने यहां लिखा था वन प्लस टू का फॉर्म था, तो आपने क्या लिखा, ए प्लस बी वन प्लस सेकेंड इंटू वन प्लस थर्ड। तो यहां पर क्या हो जाएगा, b बार प्लस बी और 1 प्लस थर्ड, मतलब b बार प्लस सी बार। क्लियर है यहां पर अच्छे से। अब अगेन b बार प्लस बी कितना होगा हमारा, 1 होगा। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं इस लाइन को कि और ऑपरेशन में जब भी आपका a प्लस ए बार हो या b प्लस बी बार हो या c प्लस सी बार हो, हमेशा क्या होता है, 1। तो ये हो जाएगा b प्लस बी बार 1, तो b बार प्लस सी बार, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए बी बार प्लस ए सी बार। ये आपका फुल एंड फाइनल यहां पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसपोजिशन थ्योरम मैं अभी और लूंगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जहां पर हम लोग ट्रांसपोजिशन थ्योरम को और अंडरस्टैंड करेंगे। तो मैं ट्रांसपोजिशन थ्योरम सबसे ऊपर लिख देता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए यहां पर ले रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है p प्लस क्यू प्लस आर, पी प्लस क्यू बार प्लस आर, पी प्लस क्यू प्लस आर बार, ठीक है। और अब हमें यहां पर इस चीज को देखना है कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक चीज बताता हूं यहां पर। मान लो क्लास अभी स्टार्ट नहीं हुई है, हम सब अभी जस्ट क्लास में आए हैं, ठीक है, और यहां पर ये इक्वेशन मैंने लिख दिया आपके लिए, ये आपका क्वेश्चन है। मैंने आपको कुछ नहीं बताया, जो आपने प्रीवियस अपनी स्टडी की है उसके हिसाब से मैंने बोला ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो। तो चाहे आप हो चाहे मैं हूं, हम क्या करते हैं यहां पर, बेसिकली हम ऐसे क्वेश्चन देखते और हमारी पहली अप्रोच होती कि हम मल्टीप्लीकेशन करने लग जाते, ठीक है, ये हम हमेशा करते, हम मल्टीप्लीकेशन करना चालू कर देते। और अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे, टोटल 9 वेरिएबल्स हैं आपके, ठीक है। इतना बड़ा मल्टीप्लीकेशन करोगे ना तो एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन छोड़ जाओगे आप, जो आपसे बन सकते थे, इतना ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बोला कि ट्रांसपोजिशन थ्योरम आपको अप्लाई करने की हमेशा ट्राई करना है। तो यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर कैसे अप्लाई हो सकता है ट्रांसपोजिशन थ्योरम, ध्यान से देखो। अगर आप फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को अगर ध्यान से देखते हो, यहां पर पहला टर्म और लास्ट टर्म, ठीक है, देखो ट्रांसपोजिशन थ्योरम ऊपर लिखा हुआ है आपके पास। आपको यह बात समझनी होगी कि कोई जरूरी नहीं है कि आप एक एक वेरिएबल ही देखो, आप दो दो वेरिएबल को भी एक वेरिएबल मानने की ट्राई करो,
ठीक है ना, कोशिश करो कि आप दो दो वेरिएबल को एक वेरिएबल अज्यूम कर सको। जैसे कि अगर ध्यान से देखोगे फर्स्ट ब्रैकेट और थर्ड ब्रैकेट में P प्लस क्यू क्या है आपका, कॉमन है। मैंने क्या कहा आपको, आप ट्रांसपोजिशन को लेफ्ट साइड से भी यूज कर सकते हो और राइट साइड से भी। बेसिकली अब मैं लेफ्ट साइड से यूज करना सिखा रहा हूं आपको। देखो लेफ्ट साइड से यूज करने में ए ए दोनों में कॉमन होना चाहिए था, दिख रहा है? तो वैसे ही देखो P प्लस क्यू दोनों में कॉमन है। तो अभी चूंकि आपकी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है तो आप P प्लस क्यू को ऐसे ले लो A है, ठीक है। तो अगर आप अब देखते हो A प्लस बी, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका B, फिर A प्लस सी, ठीक है। एग्जाम में आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आप डायरेक्टली आंसर लिख पाओ, लेकिन अभी फिलहाल के लिए A प्लस बी ए प्लस सी। आंसर क्या होता है आपका, A प्लस बी इंटू सी, ठीक है। सेकेंड ब्रैकेट आप एसिटी लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा आपका A, A मतलब P प्लस क्यू प्लस B इंटू सी। B क्या है आपका R, C क्या है R बार है, तो क्या लिख दोगे आप R इंटू R बार, ठीक है। इस लाइन को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हो सकता है बहुत लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो, लेकिन मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूं सबके लिए, वेरिएबल के नाम पर मत जाओ। वेरिएबल नॉर्मल फॉर्म में है कि कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है उस बात पे मत जाओ, सिर्फ एक ही चीज पे जाना है, वो है फॉर्म, फॉर्मेट आपको पहचानना है। तो ए प्लस बी ए प्लस सी, आंसर क्या हो गया ए प्लस बी इंटू सी। नाउ हमें पता है R इंटू आर बार, जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था कि A इंटू ए बार क्या होता है जीरो, तो सिंपली R इंटू आर बार क्या होगा जीरो। तो क्या बचेगा सिर्फ P प्लस क्यू, और जो आपका लास्ट वाला ब्रैकेट है उसको आप एज इट इज लिख दो P प्लस क्यू बार प्लस R। अब यहां पर एक पॉइंट समझना आप, अगेन क्या मुझे इस ब्रैकेट को ओपन करना चाहिए कि बिना ओपन किए भी काम चल जाएगा? तो ध्यान से देखो आप इन दोनों ब्रैकेट्स को भी, अगर आप ध्यान से समझोगे तो देखो इन दोनों ब्रैकेट्स में P कॉमन है, ठीक है ना। जब भी दो ब्रैकेट्स दिए हो तो ट्रांसपोजिशन यूज करने के लिए क्या देखना है कि कोई एक वेरिएबल या कोई दो वेरिएबल भी कॉमन हो। जैसे यहां पर P प्लस क्यू कॉमन था तो उसे हमने A मान लिया था, तो कॉमन होना चाहिए बस। तो देखो यहां पर P कॉमन है, तो फिर से ब्रैकेट ओपन मत करो आप लोग, आप सीधा क्या अप्लाई करो, ट्रांसपोजिशन थ्योरम। तो क्या हो जाएगा आपका, ये ए बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा बी, और ये क्या बन जाएगा आपका सी। तो ए प्लस बी ए प्लस सी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू सी, ठीक है। हमेशा थ्योरी के फॉर्म में चीजों को माइंड में रखो, तो इक्वेशन चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो जाए आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो आपने a प्लस बी इंटू ए प्लस सी, तो आपने क्या लिखा a प्लस बी इंटू क्यू बार प्लस आर, जो कि क्या है c है। तो अब ओपन कर दो ब्रैकेट p प्लस, अब यहां पर ध्यान से देखो q इंटू क्यू बार कितना होगा जीरो, क्योंकि a इंटू ए बार क्या होता है जीरो, देन क्यू आर क्यू इंटू आर। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो यहां पर जैसे एक स्टूडेंट को डाउट है ट्रांसपोजिशन पे, तो मैं इसी क्वेश्चन को फिर से एक बार बता रहा हूं, आपको सिर्फ ये फॉर्म देखना है। देखो a प्लस बी इंटू ए प्लस सी, मतलब जब भी दो ब्रैकेट्स दिए होना तो आपको दोनों ब्रैकेट्स में कॉमन ढूंढना है, क्या दोनों ब्रैकेट्स में कोई भी ऐसा वेरिएबल है जो सेम है। तो यहां पर अगर आप देखते हो तो फर्स्ट और थर्ड ब्रैकेट में अगर आप देखो तो p प्लस क्यू दोनों में सेम है, मतलब वो क्या बन जाएगा आपका a, ठीक है। उसके बाद p प्लस क्यू के साथ जो प्लस में है, मतलब a के साथ जो प्लस में है उसको आप b मान लो, और यहां पर p प्लस क्यू के साथ जो प्लस में है, ए के साथ जो प्लस में है उसको क्या मान लो आप सी मान लो, ठीक है। तो आंसर क्या लिखना है आपको, ए प्लस बी इंटू सी। तो यहां पर आप क्या लिख दोगे, पी प्लस क्यू मतलब ए प्लस बी इंटू सी मतलब आर इंटू आर बार, ठीक है। और जो सेकंड ब्रैकेट है आपका वो आपका एज इट इज लिख दोगे, ठीक है।
सेम वैसी जो हमने लास्ट में अप्लाई किया. लास्ट में हमने क्या किया, पी और पी देखो दोनों ब्रैकेट में कॉमन था तो उसको क्या मान लिया, ए. जो ए के साथ प्लस में है वो बी पहले ब्रैकेट में, और ए के साथ जो प्लस में है वो क्या हो जाएगा, सी दूसरे ब्रैकेट में. तो आंसर क्या लिखोगे, पी प्लस बी इंटू सी, मतलब क्यू इंटू क्यू बार प्लस आर. फिर हमने लास्ट में क्या किया, पी आपका एज इट इज आ गया, क्यू इंटू क्यू बार कितना होगा, जीरो, देन क्यू इंटू आर जो हमने एज इट इज लिख दिया. क्लियर है सबको यहां तक अच्छे से, अब क्योंकि ट्रांसपोजिशन आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक और थ्योरम. एक और थ्योरम को भी अब हम अपने डेटाबेस में ऐड कर लेते हैं, अपने माइंड में फिट कर लेते हैं. तो नेक्स्ट थ्योरम है आपका डी मॉर्गन्स थ्योरम. तो ये थ्योरम मैं अभी यहीं रहने दे रहा हूं, ये आपको हमेशा माइंड में रखना है ट्रांसपोजिशन. और डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या होता है आपका, ए बी सी का अगर होल बार है तो उसको आप क्या लिख सकते हो, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार. ठीक है, तो डी मॉर्गन्स थ्योरम बेसिकली होता क्या है कि अगर मल्टीप्लीकेशन का होल बार हो तो आप इंडिविजुअल बार का एडिशन लिख सकते हो. ठीक है, इसके अलावा अगर एडिशन का होल बार हो तो आप इंडिविजुअल बार का क्या लिख सकते हो, मल्टीप्लीकेशन. ये होता है हमारा डी मॉर्गन्स थ्योरम. क्लियर, तो हमने अभी ट्रांसपोजिशन थ्योरम देखा, उसे हम थ्रू आउट द सिलेबस यूज करते चले जाएंगे, उसके क्वेश्चन कभी एंड नहीं होने वाले. अब हमने एक और थ्योरम देख लिया डी मॉर्गन्स. डी मॉर्गन्स में अगर मल्टीप्लीकेशन का होल बार हो तो आप इंडिविजुअल बार को क्या कर सकते हो, एड. अगर एडिशन का होल बार हो तो इंडिविजुअल बार को क्या कर सकते हो आप, मल्टीप्लाई. ठीक है, तो यहां पर मैं एक क्वेश्चन फिर से ले रहा हूं ताकि हम और अच्छे से क्लियर हो पाए. मान लो मेरा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू पी क्यू प्लस पी क्यू बार इंटू आर एस. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हमें मिनिमाइज करना है. क्लियर, अब देखो होता क्या है, होता यह है कि हमने जैसे भी डी मॉर्गन्स पढ़ लिया. ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे पी क्यू का होल बार है तो हम कोशिश करेंगे डायरेक्ट डी मॉर्गन्स लगाने की. मैं आपको लगा के दिखाता हूं. मान लो अगर आप डी मॉर्गन्स यहां पे लगाते तो पी क्यू का होल बार, मतलब इसके आप क्या लिख सकते थे, पी बार प्लस क्यू बार. ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन के होल बार को आप क्या लिख सकते हो, इंडिविजुअल बार का एडिशन. लेकिन एक बात आप थिंक करो यहां पर, क्या ये मिनिमाइज हुआ कि और ज्यादा एक्सपांड हो गया, यहां पर जो इक्वेशन आपका और बड़ा हो गया ना. हमारा टारगेट क्या करने का है, मिनिमाइज करने का है. ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपने अभी डी मॉर्गन पढ़ा तो आप डी मॉर्गन ही अप्लाई करो. जैसा मैंने आपको हमेशा बोला कि प्रायोरिटी आपकी ना फिक्स होनी चाहिए. पहला तो कॉमन लेके देखो, अगर कॉमन लेने से बात नहीं बन रही है तो एक बार आप हमेशा ट्रांसपोजिशन अप्लाई करके देखो. किसी भी थ्योरम को अप्लाई करने से पहले ट्रांसपोजिशन अप्लाई करके देखो, क्योंकि अगर आप यहां पे डायरेक्ट डी मॉर्गन अप्लाई करते हो तो आपका इक्वेशन छोटा होने की जगह और बढ़ता चला गया. आपके टर्म्स पहले सिर्फ दो थे, एडिशन में सिर्फ दो टर्म थे, अब आपके कितने हो गए, पी क्यू प्लस पी बार आर एस प्लस क्यू बार आर एस, अगर आप ओपन कर दोगे ब्रैकेट को तो ये बेसिकली आपका और बढ़ गया. ठीक है, तो एक बार सबसे पहले ट्रांसपोजिशन अप्लाई करके देख लिया करो. तो यहां पर ये सॉल्यूशन सही नहीं होगा. हमें क्या करना चाहिए, यहां पर ट्रांसपोजिशन पहले देखना चाहिए. अगर बात नहीं बनी तब हम आएंगे डी मॉर्गन्स की तरफ. तो फिर से देखो आप यहां पर, अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पर कोई ब्रैकेट्स नहीं है. ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है अगर यूज करना चाहते हैं तो हमें राइट साइड से यूज करना पड़ेगा, मतलब ए प्लस बी सी. ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहां पर पी क्यू बार आर एस, जैसा मैंने आपको बोला कि आपको हमेशा दो दो वेरिएबल को भी एक एक वेरिएबल
लेना आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो PQ का बार को अगर मैं यहां पर A मान लूं, या पहले PQ को A मान लूं, फिर PQ के बार को अगर B मान लूं, और अगर मैं यहां पर RS को C मान लूं, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, यहां पर आपका ये आ जाएगा PQ A प्लस B इंटू सी, ठीक है। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप यहां पर लिख सकते हो A प्लस बी इंटू ए प्लस सी, ठीक है। बेसिकली अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको दो दो वेरिएबल को एक एक वेरिएबल अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका PQ मींस A, तो PQ प्लस PQ का बार मतलब A प्लस बी, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखोगे A प्लस सी, दैट मीन्स PQ प्लस RS, क्लियर है अच्छे से यहां पर। तो यहां पर क्या हो जाएगा देखियो, PQ प्लस PQ का बार मतलब A प्लस A बार, मैंने आपको स्टार्ट में क्लियर करवा दिया है कि A प्लस A बार कितना होता है आपका 1, ठीक है ना। PQ प्लस PQ का बार कितना हो जाएगा 1, तो सिर्फ कितना बचेगा आपका PQ प्लस RS, क्योंकि 1 इंटू समथिंग आपका दैट थिंग ओनली होगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा PQ प्लस RS, क्लियर है अच्छे से, मेरी वॉइस आ रही है सबको। एम आई ऑडिबल, ओके। नाउ नेक्स्ट यहां पर मैं एक और क्वेश्चन आपके लिए ले रहा हूं, जिससे आप लोग अंडरस्टैंड कर पाओगे डी मॉर्गन्स को भी। तो आपका क्वेश्चन है यहां पर ए प्लस बीसी बार का होल बार ए बी बार प्लस ए बी सी, ठीक है। तो आपको अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। बेसिकली मैं यहां पर अब कोई ट्विस्ट नहीं रखने वाला, डी मॉर्गन्स ही आपको यूज करना है। बेसिकली हमें डी मॉर्गन्स को यूज करना सीखना भी है, ठीक है। तो डी मॉर्गन्स की अगर बात करें हम लोग, तो देख सकते हो आप लोग यहां पर होल बार है, ठीक है। तो यहां पर होल बार है ना, तो यहां पर आप देखो दो वेरिएबल्स का होल बार है, आप देख सकते हो यहां पर देखो दो टर्म का होल बार है, ए का और बीसी के बार का, ठीक है। तो ए प्लस बीसी के बार का होल बार है। तो मैंने आपको क्या सिखाया है डी मॉर्गन्स में अभी, कि अगर एडिशन में होल बार हो तो आप जब होल बार को हटाओगे तो आप क्या लिख सकते हो, इंडिविजुअल बार, इंडिविजुअल बार कर दोगे और जो प्लस है उसकी जगह क्या लिख दोगे डॉट, ठीक है। तो ए का बार इंटू इंटू क्या हो जाएगा आपका बीसी के बार का बार, क्योंकि बीसी में ऑलरेडी से बार था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टर्म को आप एस डी लिख सकते हो, क्लियर है यहां तक। अब बीसी के बार का बार, तो बार का बार आपका कैंसिल हो जाएगा, हमें पता होना चाहिए कि अगर आपका दो बार बार होगा तो वो क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा ए बार बीसी इंटू ए बी का बार प्लस ए बी सी, क्लियर यहां तक। अब यहां पर अगर आप देखो तो ए बार बी सी जब मल्टीप्लाई होगा इन दोनों टर्म्स से, ठीक है, तो ए बार इंटू ए, वैसे तो ये सारे मल्टीप्लीकेशन में आएंगे लेकिन आप देखो आपका ए बार इंटू ए जनरेट हो रहा है, ए बार बीसी इंटू ए बी बार जब होगा तो ए बार इंटू ए, मैंने आपको क्या सिखाया है ए बार इंटू ए क्या होता है आपका जीरो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका जीरो, फिर प्लस अगर आप फिर से देखो यहां पर भी ए बार इंटू ए हो जाएगा, क्योंकि यहां से भी आपका ए क्या निकल रहा है कॉमन है, यहां पर भी देख सकते हो ए आपका आ रहा है, तो ए बार इंटू ए फिर से क्या हो जाएगा जीरो। तो ओवरऑल आंसर क्या आपका क्या आ जाएगा जीरो, क्लियर है अच्छे से। तो बेसिकली बहुत इजी होता है डी मॉर्गन थ्योरम भी,
तो हमेशा आप थ्योरिकल वे में याद रखो चीजों को, ना कि वेरिएबल्स के फॉर्म में रटो। रटना बिल्कुल नहीं है, थ्योरिकल फॉर्म में याद रखो, तो चाहे आपका जो इक्वेशन है वो कितना भी लेंदी क्यों ना हो, ठीक है ना। आपने बस ये समझ लिया कि दो वेरिएबल्स थे आपके, एक था ए और एक था बीसी बार। बीसी बार एक्चुअल में टर्म है, लेकिन आप एज अ वेरिएबल ट्रीट करो उसको। ए प्लस बीसी बार का होल बार था, तो बस आप बार को ओपन कर दो। क्लियर है यहां तक अच्छे से? एम आई ऑडिबल? सबको वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है सबको? आ रही है तो यस यस ओके। नाउ नेक्स्ट जो थ्योरम हम अंडरस्टैंड अप करेंगे वो है आपका कंसेंसस थ्योरम, ठीक है। तो ये आपका कंसेंसस थ्योरम क्या होता है, ये लास्ट थ्योरम है हमारा जो हमें बुलियन में स्टडी करना है मिनिमाइजेशन टेक्निक में। तो ये कंसेंसस थ्योरम आपका है क्या? तो यहां पर जो ये थ्योरम है आपका, ट्रांसपोजिशन और डी मॉर्गन जैसा बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है, ठीक है। जैसे ट्रांसपोजिशन आपने देखा, डी मॉर्गन आपने देखा, अलग अलग क्वेश्चन में आपके लिए हेल्पफुल होंगे, लेकिन कंसेंसस थ्योरम ज्यादा यूजफुल नहीं है। इसका अगर कोई क्वेश्चन आएगा भी तो इसी थ्योरम की स्टेटमेंट से ही आएगा, ठीक है। तो फिर भी हम समझेंगे इसे भी अच्छे से। तो ये कंसेंसस थ्योरम होता क्या है? सपोज करो अगर आपका एक इक्वेशन लिखा हुआ है ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी, ठीक है, y इक्वल टू आपको गिवन है। तो ये कंसेंसस थ्योरम आपको बोलता क्या है? इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर होगा वो होगा ए बी प्लस ए बार सी। मैं इसे प्रूफ करूंगा अभी, बस पहले आप समझ लो कि ये थ्योरम है क्या, स्टेटमेंट क्या है इस थ्योरम की। तो देखो ये थ्योरम ये बोलता है कि अगर आपके टोटल तीन वेरिएबल हो, जैसे यहां पर है आपके ए बी सी, टोटल सिर्फ तीन वेरिएबल है और दो दो करके वो आपस में मल्टीप्लाइड है। जैसे देखो एक बार ए बी है, एक बार ए सी है और एक बार बी सी है, ठीक है, और सभी टर्म आपस में ऐड हो, जैसे तीनों के तीनों टर्म आपस में क्या है, ऐड है। तो फाइनल आंसर में सिर्फ वो टर्म रह जाएंगे जिसमें आपका एक ऐसा वेरिएबल प्रेजेंट हो जो नॉर्मल फॉर्म में भी हो और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में भी हो। तो यहां पर अगर आप देखते हो ए ही ऐसा वेरिएबल था जो नॉर्मल फॉर्म में भी अवेलेबल था और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में भी अवेलेबल था, ठीक है। बी और सी जो है वो सिर्फ नॉर्मल फॉर्म में अवेलेबल है। तो देखो आंसर में सिर्फ ए से रिलेटेड टर्म्स जो हैं वही आ रहे हैं, ठीक है। ये थ्योरम बोलता है और सिर्फ इसी फॉर्मेट के लिए ही है ये थ्योरम, मतलब दो दो आपस में मल्टीप्लाइड हो और सभी एडेड हो, तीन वेरिएबल हो टोटल। तो इसका ज्यादा कोई यूज नहीं है, सिर्फ इस फॉर्मेट को आपको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अब इस थ्योरम को मैं यहां पर प्रूफ भी कर देता हूं। तो देखो यहां पर ध्यान से, अगर हम प्रूफ कर दें इस थ्योरम को, तो ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी। अब यहां पर समझना एक क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लो अगर आप एक्स में वन से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? ऑब्वियस सी बात है, हमेशा क्या आएगा आपका, x ही आएगा। तो जब भी ना आपको डिजिटल में किसी बुलियन इक्वेशन में कुछ मल्टीप्लाई करना हो किसी टर्म में, तो हमेशा आप किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, वन से। और जब भी आपको कुछ ऐड करना हो तो x प्लस जीरो हमेशा क्या आएगा, x। तो हमेशा आप किससे ऐड कर सकते हो, जीरो से। मींस आप जब भी कोई एक्स्ट्रा टर्म ऐड या मल्टीप्लाई करते हो तो आपको इस तरीके से करना चाहिए कि मीनिंग चेंज मत हो इक्वेशन की। तो यहां पर मैं यहां पर एक मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं a प्लस ए बार, बीसी में मल्टीप्लाई कर रहा हूं a प्लस ए बार से, सिर्फ मैं प्रूफ कर रहा हूं, ठीक है। तो a प्लस ए बार से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो a प्लस ए बार कितना होता है हमारा, वन। हम पहले ही अंडरस्टैंड कर चुके हैं इस बात को। तो अगर आप देखते हो ए बी प्लस ए बार सी, अब मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूं, तो ए बी सी प्लस ए बार बी सी, ठीक है। तो अब अगर आप देखो
फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म में से अगर मैं पहले और तीसरे टर्म में से ए बी कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, 1 प्लस सी, ठीक है। अब अगर मैं सेकेंड और फोर्थ टर्म में से ए बार सी कॉमन ले लूं, सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म में से अगर मैं ए बार सी कॉमन ले लूं तो कितना बचेगा आपका, 1 प्लस बी बचेगा। क्लियर है अच्छे से? तो यहां पर मैं बहुत बार बोल चुका हूं आज की ही क्लास में कि और ऑपरेशन में अगर कोई भी एक 1 मिल गया तो आंसर हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है। तो 1 प्लस सी कितना हो जाएगा, 1, 1 प्लस बी भी कितना हो जाएगा, 1, तो आंसर क्या बचेगा, ए बी प्लस ए बार सी। आप देख सकते हो हमने प्रूफ कर दिया यहां पर, आपका आंसर यही बचना चाहिए था, ए बी प्लस ए बार सी, नो डाउट। यहां पर तो मैंने प्रूफ किया है, लेकिन एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे क्लिक नहीं करता आपको कि आपको यहां पर बीसी में ए प्लस ए बार से ही मल्टीप्लाई करना चाहिए था, ठीक है। तो ये कब क्लिक करने लगेगा आपको, जब हम क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, जब आप घर में बैठ के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, तब आपको ऑटोमेटिकली इक्वेशन को देखकर ये क्लिक करने लगेगा कि आपको क्या ऐड करना चाहिए या क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो अभी के लिए जस्ट आप इसका प्रूफ देखो और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। नाउ अब अगर आप लोगों ने मेरी स्टेटमेंट को ध्यान से सुना है जो मैंने कंसेंसस थ्योरम की बोली है, तो आप लोग अगले क्वेश्चन का आंसर देना। तो यहां पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ए बार बी बार प्लस ए बार सी बार प्लस बी सी बार, ठीक है। तो अगर कंसेंसस थ्योरम यहां पर अप्लाई करें, तो अगर आप लोगों ने मेरी स्टेटमेंट ध्यान से सुनी थी तो आप लोग इसका आंसर करोगे, और अगर सिर्फ आप लोग रटने की कोशिश करोगे इसको तो नहीं कर पाओगे। तो यहां पर मान लो अगर ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकंड है और ये आपका थर्ड है, तो आप लोग सिर्फ कमेंट सेक्शन में मुझे ये लिख के बताओ कि कौन कौन से टर्म जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड में से वो फाइनल आंसर में आएंगे, फर्स्ट सेकंड आएगा कि सेकंड थर्ड आएगा कि फर्स्ट थर्ड आएगा, जस्ट कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ अगर आप लोग अंडरस्टैंड किए हो तो इस पॉइंट को। दो टर्म आने चाहिए, ठीक है ना, जैसे कंसेंसस थ्योरम में दो टर्म आ रहे थे। अगर स्टेटमेंट को आपने ध्यान से सुना है मेरी, तो जैसा मैं आपको स्टार्ट से बोल रहा हूं कि याद ब्लाइंडली मत करो, ठीक है। चलो एक आंसर आया है फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का, ठीक है। तो यहां पर अब मैं वापस से रिपीट कर देता हूं अपनी स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट है क्या, मैंने आपको क्या बोला था, मैंने स्टेटमेंट बोला था आपको कि आपको कोई एक ऐसा वेरिएबल ढूंढना है जो नॉर्मल फॉर्म में भी हो और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में भी हो, ठीक है। मैंने ये कभी नहीं बोला आपको कि बहुत ज्यादा नॉर्मल दिखेंगे या बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंटेड दिखेंगे, ठीक है ना। हमें सिर्फ एक ऐसा वेरिएबल ढूंढना है जो नॉर्मल फॉर्म में भी हो और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में भी हो। तो अगर आप यहां पर देखोगे ऐसा वेरिएबल सिर्फ बी है, बी देखो यहां पर नॉर्मल फॉर्म में अवेलेबल है और बी बार, बी यहां पर कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में भी अवेलेबल है, जबकि ए और सी सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में अवेलेबल है। दैट्स व्हाई आपका जो आंसर होगा वो कौन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म, ठीक है। आंसर बिल्कुल सही है जो कमेंट सेक्शन में लिखा गया है, ठीक है, गुड। तो यहां पर इस तरीके से आप कंसेंसस थ्योरम का यूज करते हो, बहुत ज्यादा यूज नहीं है इसका, लेकिन स्टिल आपको पता होना चाहिए। नाउ एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए कराने जा रहा हूं यहां पर मिनिमाइजेशन टेक्निक के लिए, हम जितनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले उतना बेटर है हमारे लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ए बी बार सी प्लस बी प्लस बी डी बार प्लस ए बी डी बार, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी हमें प्रैक्टिस करना है, देखना है इसका मिनिमाइजेशन क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट मैं प्रैक्टिस के लिए ले रहा हूं यहां पर आप लोगों के लिए। तो अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन में भी, देखो बी यहां पर आ रहा है, दिख रहा है सबको बी। तो जैसा मैंने आपको बार बार एक पॉइंट बोला हुआ है, कितनी बार मैं बोल चुका हूं, सोचो
अब सबके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि और में अगर कोई भी एक वन आ जाए तो आंसर हमेशा क्या होगा, वन होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं यहां पर बी कॉमन ले लूं तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इससे क्या बचेगा वन, इससे क्या बचेगा डी बार, और इससे क्या बचेगा आपका ए डी बार। तो आप देख सकते हो लास्ट के तीनों टर्म में से बी कॉमन आ रहा है, जिसके कारण आपका एक वन आ रहा है, बाकी दोनों प्लस में अदर टर्म्स आ रहे हैं। तो कोई भी एक वन आ जाए तो आंसर क्या हो जाएगा आपका वन, तो ए बी बार सी प्लस बी। क्लियर है अच्छे से? तो यहां पर ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या हमें और इसे सॉल्व करना चाहिए? ठीक है, तो देखो हो सकता है कि यही फाइनल सॉल्यूशन हो, लेकिन चूंकि आज की क्लास में हम इतना कुछ सीखे हैं ट्रांसपोजिशन के बारे में, तो क्या हमें एक बार ट्राई नहीं करना चाहिए कि ट्रांसपोजिशन लगा सके हम लोग, और इस तरीके से लगाएं कि शायद और सॉल्व हो जाए। यहां पर मैं वापस से ट्रांसपोजिशन लिख रहा हूं ऊपर आपके लिए, ए प्लस बी ए प्लस सी, कितना होता है आपका ए प्लस बी सी। ठीक है, तो इस तरीके से यूज करने की कोशिश करो। ऑब्वियसली बात है यहां पर ब्रैकेट वाला कोई टर्म नहीं है, मतलब आपको ए प्लस बी सी वाला फॉर्मेट यूज करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से यूज करने की कोशिश करनी है हमें, जिससे हमारा कुछ एलिमिनेशन हो। एक बार ट्राई करके देखते हैं, हो सकता है कुछ हो जाए। तो यहां पर अगर आप देखते हो, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो बी प्लस बी बार ए सी, ऐसा लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमें। हमने ए बी बार सी को क्या लिख दिया, सिंपली बी बार ए सी। ठीक है, तो देखो वन प्लस टू का फॉर्मेट ये हमें समझना है। तो अगर आप देखते हो ये वन फर्स्ट वेरिएबल प्लस सेकेंड इंटू थर्ड, मीन्स मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि दो वेरिएबल को एक वेरिएबल मानना आना चाहिए आपको हर हाल में। तो यहां पर अगर आप देखोगे, अब मैंने b को फर्स्ट मान लिया, b बार को सेकेंड और ac को थर्ड। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में एक आंसर भी आया है जो बिल्कुल करेक्ट है। तो अब यहां पर अगर आप देखते हो a प्लस बी सी, आंसर क्या होता है आपका a प्लस बी इंटू ए प्लस सी, मतलब फर्स्ट प्लस सेकेंड, मतलब b प्लस बी बार इंटू फर्स्ट प्लस थर्ड, मतलब b प्लस ए सी। तो हमें पता है b प्लस बी बार क्या होता है आपका वन, तो b प्लस ए सी ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर एक बात समझने वाली थी कि मुझे कैसे क्लिक किया, या मैंने क्यों b बार ए सी लिखा पहले और b बार को ही सेकेंड वेरिएबल लिया। ठीक है ना, फर्स्ट वेरिएबल ये हो गया सेकेंड इंटू थर्ड, मैंने क्यों नहीं b बार इंटू ए को सेकेंड ले लिया और c को थर्ड ले लिया? क्योंकि यहां पर आप समझो, यहां पर पहला ना b था, तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं b प्लस बी बार का एक ब्रैकेट जनरेट कर लूं, ठीक है ना, तो वो तो वन हो जाएगा, उससे हमारा कुछ ना कुछ एलिमिनेशन जरूर होगा। तो बस आपको भी यही थिंक करने की कोशिश करनी थी यहां पर, क्योंकि पहला वेरिएबल b था तो आप कोशिश करो कि b प्लस बी बार का आप एक जनरेट कर पाओ जिससे वो वन हो जाए। क्लियर है सबको अच्छे से? तो ट्रांसपोजिशन थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। नाउ एक लास्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, फिर बुलियन में हम कुछ और टॉपिक स्टडी करेंगे। तो मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई वाई एक्स प्लस वाई कॉमा वाई, इसको आप चाहो तो एफ ले लो, फिर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है, और आपको दिया हुआ है एफ ऑफ p कॉमा क्यू इज इक्वल टू पी बार प्लस क्यू। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन यहां पर पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूं अच्छे से कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन यहां पर आपको यह बोल रहा है कि f ऑफ p कॉमा क्यू, मतलब f कोई फंक्शन है आपका जो p और q पर डिपेंड कर रहा है, तो f ऑफ p कॉमा क्यू जो है वो है आपका p बार प्लस क्यू। ठीक है, और आपको बोल रहा है कि आप कैलकुलेट करो, मतलब जो फर्स्ट लाइन है ना वो कैलकुलेशन करना है आपको, f ऑफ फिर ब्रैकेट में f ऑफ x प्लस वाई कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है, और आपको इस लाइन का यूज करना है जो आपको गिवन है। अगर मैं क्वेश्चन को अच्छे से आपको फिर से रिपीट करूं,
तो यहां पर दिया क्या हुआ है कि f कोई फंक्शन है जिसमें फर्स्ट वेरिएबल कॉमा सेकेंड वेरिएबल जब होता है तो आंसर क्या होता है, फर्स्ट वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट प्लस सेकेंड वेरिएबल, ये आपका आंसर होता है। ठीक है, तो हमें अब ऊपर वाला जो है वो कैलकुलेशन करना है। तो ध्यान से अगर आप समझोगे, जो बाहर वाला f है उसके लिए फर्स्ट कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ठीक है ना। बाहर वाले f के लिए पहला आपका ये वाला हो जाएगा, सेकेंड आपका ये हो जाएगा, तो आंसर क्या बनना चाहिए, इस फर्स्ट वाले का बार प्लस सेकेंड वाला, ठीक है ना। जब p कॉमा q होता है तो क्या होता है, p का बार प्लस सेकेंड, सॉरी। तो यहां पर अगर आपको इसका बार करना है तो पहले आपको सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि सबसे पहले हम अंदर वाले f को सॉल्व कर लें। तो यहां पर आप कैसे लिख सकते हो इसको, आप ये आपका हो जाएगा f और अंदर वाला f क्या हो जाएगा, देखो p कॉमा q, x प्लस वाई क्या है, p है कॉमा q, तो आंसर क्या आ जाएगा, p बार प्लस q, मतलब x प्लस वाई का बार प्लस y और कॉमा z जो ऑलरेडी था आपके पास। ठीक है, अब जो बाहर वाला f है उसके लिए अब ये p बन जाएगा और ये वाला क्या बन जाएगा आपका, q, तो आंसर फिर से क्या होगा आपका, p का बार प्लस q। ठीक है ना, क्लियर है यहां तक सबको। आप देखोगे अगर आप, तो यहां पर आप क्या अप्लाई कर सकते हो, डी मॉर्गन्स थ्योरम, क्योंकि होल बार है। मैं फिर से डी मॉर्गन्स थ्योरम आपको रिपीट कर रहा हूं, यहां पर आपको रटना नहीं है, ठीक है ना, आपको सिर्फ यह समझना है कि यह आपका पहला हो गया, यह आपका दूसरा हो गया। ठीक है, तो a प्लस बी का बार, इसको आप क्या लिख सकते हो, a बार इंटू बी बार, तो x प्लस वाई का बार का बार, तो बार का बार कैंसल, तो x प्लस वाई, अब प्लस किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में डॉट में इंटू वाई का बार, और प्लस z आपका एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब ये क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू वाई बार, y इंटू वाई बार कितना होता है आपका, जीरो, और z आपका एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, एक स्टूडेंट को डाउट है तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, देखो आपको ये जो लाइन है ये वाली, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि अगर कोई फंक्शन है जो कि p कॉमा q डिपेंड कर रहा है p कॉमा q पर, तो आंसर क्या होता है, p बार प्लस q। आप p कॉमा q मत याद करो, आप सिंपल ये याद करो कि फर्स्ट वेरिएबल कॉमा सेकेंड वेरिएबल। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, पहले का बार प्लस सेकेंड। ठीक है, तो यहां पर आपको ये वाला कैलकुलेशन करना है जो ऊपर वाली लाइन है आपकी। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, यहां पर अगर आप देखोगे ऊपर वाली लाइन में जो आपका बाहर वाला f है, ठीक है, उसको सॉल्व करने से पहले आपको अंदर वाले f को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अंदर वाले f को हमने सबसे पहले सॉल्व किया, अंदर वाले f में देखो x प्लस वाई कॉमा वाई है, तो x प्लस वाई कॉमा वाई मतलब फर्स्ट कॉमा सेकेंड, तो आंसर क्या होता है, फर्स्ट का बार प्लस सेकेंड, तो यहां पर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का बार प्लस वाई। ठीक है, और जो कॉमा z था वो एज इट इज आ गया। अब बाहर वाले f के लिए, बाहर वाले f के लिए ये जो है x प्लस वाई का बार प्लस वाई, ये क्या बन गया, एक तरह से फर्स्ट कॉमा सेकेंड, z क्या बन गया, सेकेंड, तो आंसर क्या लिखोगे फिर से, फर्स्ट का बार प्लस सेकेंड, क्योंकि गिवन है आपको ये जो फंक्शन है ना, ये ऐसे आउटपुट देता है आपको, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका, x प्लस वाई का बार प्लस वाई का होल बार, मतलब फर्स्ट का जो भी पहला दिया हुआ है उसका बार प्लस सेकेंड, तो प्लस z, फिर इसको हमने डी मॉर्गन लगा के यहां पर सॉल्व कर दिया। क्लियर है अच्छे से, हमने क्या किया, डी मॉर्गन लगाया तो x प्लस वाई इंटू वाई बार मिला प्लस z, फिर y बार को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो x इंटू वाई बार, y इंटू वाई बार क्या हो गया, जीरो, और प्लस z। ठीक है, क्लियर है सबको, तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है,
ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन में मैं एक बार लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं और सेकंड स्टेटमेंट जो थी आपकी वो आपको गिवन थी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो अब हम स्टडी करेंगे बूलियन अलजेब्रा में, वो आपके दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म होंगे, एक होगा आपका एसओपी फॉर्म और एक होगा आपका पीओएस फॉर्म। हमने पहले से पढ़ रखा है इसको भी, हम जानते हैं व्हाट इज एसओपी व्हाट इज पीओएस, लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। तो एसओपी फॉर्म क्या होता है आपका, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। सम ऑफ प्रोडक्ट्स का मीनिंग क्या है आपका, ये हम लोग अभी अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। लेकिन एसओपी फॉर्म को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर रखना है कि एसओपी फॉर्म में हम ए को यहां पर लिखेंगे 1 और ए बार को लिखेंगे 0, या हम 1 को लिखेंगे ए या 0 को लिखेंगे ए बार। तो ये क्या है ये मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं, ध्यान से समझना आप। मान लो आपको कोई ट्रुथ टेबल दिया हुआ है, ठीक है, तो जहां पर आपके ए और बी इनपुट्स हैं और वाई आपका आउटपुट है। आउटपुट आपको कुछ इस तरीके से गिवन है 0101। यहां पर मैं कोई फंक्शन नहीं ले रहा हूं, मींस ये कौन सा ऑपरेशन है इस बात पे मैं नहीं जा रहा हूं, मैं सिंपली कोई भी आउटपुट यहां पर लिख रहा हूं 0101। एक और पॉइंट जो यहां पर इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि ए और बी आपके दो इनपुट है, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि दो इनपुट के लिए कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, टोटल 4, 0001 1011, ठीक है। तो ये पहला क्या होता है 0, फिर होता है 1, फिर होता है 2 और फिर होता है आपका 3। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अगर डिजिटल में बहुत अच्छा स्कोर करना है एग्जाम में, तो आपको एटलीस्ट 4 वेरिएबल तक की काउंटिंग आनी चाहिए हर हाल में। 4 वेरिएबल मींस 0 से 15, मतलब टोटल आपकी 16 वैल्यूज हो जाएंगी, ठीक है। 3 वेरिएबल मींस 0 टू 7, टोटल 8 वैल्यूज हो जाएंगी, और 2 वेरिएबल मींस 0 टू 3। तो ये काउंटिंग आपको लिखनी आनी चाहिए। जैसे अगर सपोज करो मैं पूछूं आपसे 10 क्या होता है, तो आपको डायरेक्ट आना चाहिए 1010 होता है, इसके लिए आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए पूरा का पूरा। अगर मैं बोलूं 12 क्या होता है, तो 1100, ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं लास्ट में 0 से 15 तक की सारी काउंटिंग लिख दूंगा, उसको आप अच्छे से नोट करके प्रैक्टिस कर लेना घर में, ताकि आपको आगे से वो पता हो, ठीक है। नाउ यहां पर अगर आप देखते हो तो जो y आपका आउटपुट है वो a और b दो इनपुट वेरिएबल पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो एसओपी फॉर्म का मतलब क्या होता है, एसओपी फॉर्म का आपका मतलब ये होता है कि आपको सिर्फ वो आउटपुट्स देखने हैं, ठीक है, आपको सिर्फ आउटपुट में वो वैल्यूज देखनी है जहां पर आपकी वैल्यूज 1 हो। तो यहां पर अगर आप देखते हो तो देखो यहां पर 1 पे 1 है और आपका 3 पर भी क्या है 1 है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखते हो 1 वाले जो भी वैल्यूज हैं उनके रेस्पेक्ट में आपको इक्वेशन लिखना है। तो यहां पर देखो 1 आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो 0-1 इनपुट के रेस्पेक्ट में मिल रहा है और 1-1 इनपुट के रेस्पेक्ट में मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका a बार b प्लस ए बी, ठीक है। ये हमने कैसे लिखा यहां पर आप देखो, a 0 था आपका, 0 को मैंने क्या बोला था क्या लिखना है a बार, b आपका क्या था 1 तो इंटू बी प्लस a 1 b 1, तो क्या लिखोगे आप a इंटू बी, इस तरीके से आपको लिखना होता है। क्लियर है सबको अच्छे से। तो यहां पर जितने 1 होंगे उतने आपको टर्म्स मिलेंगे, तो चूंकि इस आउटपुट में टोटल आपके 2 1 थे तो हर एक 1 के रेस्पेक्ट में आपने टर्म्स लिख दिए, तो टोटल आपके कितने टर्म्स आ गए 2 टर्म्स आ गए। तो ये जो टर्म्स मिलते हैं
उन्हें हम कहते हैं मीन टर्म्स, ठीक है। तो जो एसओपी फॉर्म है जिसे हम सम ऑफ प्रोडक्ट्स के नाम से जानते हैं, तो जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट टर्म है, देख सकते हो ए बार बी एक प्रोडक्ट टर्म है, ए बी भी एक प्रोडक्ट टर्म है, दोनों को आपने ऐड किया तो क्या बन गया, सम ऑफ प्रोडक्ट। तो जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट टर्म है उन्हें हम मीन टर्म्स के नाम से जानते हैं, एम आई एन, मीन टर्म, ठीक है। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको अभी बोल रहा था कि आपको काउंटिंग आनी चाहिए, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, एग्जाम में कभी भी आपको यह ट्रुथ टेबल नहीं देगा। एग्जाम में आपको क्या करेगा, इस ट्रुथ टेबल की जगह ऐसा कुछ लिख देगा, सिग्मा एम। सिग्मा मीन्स समेशन। बेसिकली एसओपी फॉर्म होता क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स या सम ऑफ मीन टर्म। तो सिग्मा मीन्स समेशन, स्मॉल एम नोटेशन होता है मीन टर्म के लिए, तो सिग्मा एम। तो कौन कौन से मीन टर्म है, तो यहां पर आपको लिखेगा जहां जहां पर वन है, तो आप देखो वन पर वन है और थ्री पर वन है, तो आपको लिखेगा वन कॉमा थ्री। तो आपको ट्रुथ टेबल देने की जगह इस तरीके से लिखेगा। और अब आप इक्वेशन कैसे लिखोगे, देखो आपको जब लिखा होगा वाई ए कॉमा बी, तो आप समझ जाओगे कि आपका आउटपुट जो है वो दो इनपुट वेरिएबल पर डिपेंड करता है, ए और बी पर। तो आपके माइंड में ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि दो इनपुट वेरिएबल हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ चार कॉम्बिनेशन होंगे, जीरो 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 वन, वन जीरो वन वन। तो आप देख लोगे सिग्मा एम के अंदर क्या लिखा है, वन और थ्री, मतलब आप समझ जाओगे काउंटिंग वन और काउंटिंग थ्री में आउटपुट आपका क्या है, वन है। तो अगर आपको गिनती आती होगी तो वन, वन मीन्स क्या होगा, जीरो वन, जीरो मतलब ए बार इंटू बी, फिर थ्री, थ्री मीन्स क्या होगा, वन वन, ए भी वन बी भी वन, मतलब ए इंटू बी। इस तरीके से आप इजिली लिख पाओगे, ठीक है। दो वेरिएबल तो फिर भी इजी है, थ्री वेरिएबल फोर वेरिएबल जब आप लिखोगे और अगर आपको काउंटिंग नहीं आती होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। यहां पर एक और एग्जांपल, अगर मान लो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है सिग्मा एम जीरो कॉमा वन कॉमा टू कॉमा थ्री, तो उस केस में आप देख सकते हो फिर से दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल के लिए कितने कॉम्बिनेशन होंगे टोटल, फोर, और यहां पर चारों के चारों प्रेजेंट है। सिग्मा एम के अंदर जो काउंटिंग लिखी होती है ना, इसका मतलब वहां वहां पर आपका आउटपुट वन है। तो चूंकि दो वेरिएबल के लिए चार कॉम्बिनेशन है और चारों के चारों में वन है, इसका मतलब आप समझ सकते हो कि आपको आंसर यहां पर कैलकुलेट करके टाइम वेस्ट नहीं करना है एग्जाम में, आंसर आप क्या लिखोगे, वन। क्यों, देखो टोटल चार ऑप्शन है, मैं आपको चार ऑप्शन देता हूं, अगर आप चारों के चारों ऑप्शन में यस बोलोगे तो मैं क्या समझूंगा, आपकी हमेशा यस है, ठीक है ना। तो यहां पर आप डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हो, वन, क्योंकि हर जगह आपका वन 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 है, कहीं पर जीरो है ही नहीं। और अगर आप चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो, आप सॉल्व कर लो, जीरो मीन्स जीरो जीरो, तो जीरो जीरो क्या होता है, ए बार बी बार, वन वन मीन्स जीरो वन, मतलब ए बार बी, फिर टू, टू मीन्स क्या होता है, वन जीरो, मतलब ए बी बार, थ्री, थ्री क्या होता है आपका, वन वन मीन्स ए बी, ठीक है। तो अब अगर आप देखते हो स्टार्ट के टू टर्म से क्या कॉमन आ रहा है आपका, ए बार, अंदर क्या बचेगा, बी प्लस बी बार, लास्ट के दो टर्म से क्या कॉमन आ रहा है आपका, ए, तो अंदर क्या बचेगा, बी बार प्लस बी। और हमें पता ही है, हम बहुत बार देख चुके हैं इस पॉइंट को कि b बार प्लस b कितना होता है, वन, तो आंसर क्या हो जाएगा, a बार प्लस a, तो a बार प्लस a भी क्या होता है आपका, वन। तो आपने बड़े आराम से इसे प्रूफ कर लिया कि आंसर आपका क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, क्लियर है अच्छे से। तो यहां पर हमने प्रूफ जरूर किया क्लास में, लेकिन एग्जाम में आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। मीन्स अगर सारे के सारे कॉम्बिनेशन प्रेजेंट हो तो हमेशा आंसर क्या हो जाएगा आपका, वन हो जाएगा, ठीक है। Now, next अगर मैं आपको बोलूं y a कॉमा बी कॉमा सी, आपको दिया है सिग्मा m 0367, ठीक है। तो यहां पर अब रियल है, रियल में आपकी रिक्वायरमेंट है काउंटिंग आने की, अगर आपको नहीं आती है डायरेक्ट तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी,
तो यहां पर जिनको नहीं आती उनके लिए मैं थ्री वेरिएबल्स की काउंटिंग साइड में लिख देता हूं. तो 0000 0010 0110 0110 1101 1101 1101 0 1 2 3 4 5 6 7. ये होती है आपकी थ्री वेरिएबल्स की काउंटिंग जो आपको हर हाल में आनी चाहिए अप टू फोर वेरिएबल तक एटलीस्ट. तो अगर आप इसको लिखने जाओगे तो जीरो जीरो मींस क्या है आपका जीरो 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 मतलब तीनों का बार ए बार बी बार सी बार. थ्री थ्री क्या है आपका जीरो वन वन मतलब ए बार बी सी. सिंपल बस आपको क्या माइंड में रखना है कि जो जीरो है उस वाले वेरिएबल को बार कर दो जो वन है उस वाले वेरिएबल को नॉर्मल फॉर्म में लिख दो. अब नेक्स्ट क्या है सिक्स वन वन जीरो मतलब ए बी सी बार. सेवन सेवन क्या है वन 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 मीन्स ए बी सी. क्लियर यहां तक अच्छे से. तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल था आपको ये बताने के लिए कि काउंटिंग की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है. नाउ यहां पर ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखा था आपके लिए ए बार बी प्लस ए बी जो आंसर आया था यहां पर अगर आप देखोगे इस एग्जाम्पल को अगर मैं सॉल्व कर दूं मैंने सिर्फ अभी रिप्रेजेंट किया था अब मैं इसे सॉल्व करने के लिए जा रहा हूं. तो आप देख सकते हो दोनों में से बी क्या आ रहा है आपका कॉमन. तो जब आप बी कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा ए प्लस ए बार जो कि क्या होता है वन. तो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर क्या आ जाएगा वन. तो आंसर क्या हो जाएगा बी. तो यहां पर ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको ये समझाने के लिए कि आपके टोटल दो टाइप्स होते हैं एसओपी फॉर्म के. एक होता है आपका कैनोनिकल फॉर्म या कैनोनिकल टाइप जिसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं और एक होता है आपका मिनिमल फॉर्म. ठीक है तो ये जो आपका फॉर्मेट है ये जो फर्स्ट वाला है ये कहलाता है कैनोनिकल फॉर्म और ये वाला जो फॉर्मेट है आपका जो बी आया है वो कहलाता है आपका मिनिमल फॉर्म. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसओपी कैनोनिकल फॉर्म है और मिनिमल फॉर्म. तो कैनोनिकल फॉर्म की क्या मीनिंग है कैनोनिकल फॉर्म की ये मीनिंग है कि जितने भी प्रोडक्ट टर्म होंगे सम ऑफ प्रोडक्ट्स ठीक है ना. तो जितने भी प्रोडक्ट टर्म होंगे हर एक प्रोडक्ट टर्म में सारे के सारे इनपुट वेरिएबल प्रेजेंट होने चाहिए. जैसे यहां पर वाई ए कॉमा बी मीन्स आपके टू इनपुट वेरिएबल्स थे तो यहां पर हर एक टर्म में दोनों के दोनों इनपुट वेरिएबल आपके प्रेजेंट है. अब अगर आप इसको देखो जो आपका आंसर आया है बी तो यहां पर सिर्फ एक ही टर्म प्रेजेंट है लेकिन उस एक टर्म में सिर्फ बी प्रेजेंट है ए प्रेजेंट नहीं है. मतलब ये कौन सा फॉर्म है आपका मिनिमल फॉर्म है. ठीक है तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे लिए. सपोज करो आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है y a कॉमा b कॉमा c इज इक्वल टू a प्लस b बार c. ठीक है और आपसे क्वेश्चन पूछा है डिटरमाइन द नंबर ऑफ मीन टर्म्स. ठीक है हमें यहां पर टोटल नंबर ऑफ मीन टर्म्स बताने हैं इस इक्वेशन में कितने होंगे. ठीक है यहां पर मेरी बात को ध्यान से समझ लो. मीन टर्म्स जो हमें मिले थे वो कौन से फॉर्म में मिले थे कैनोनिकल फॉर्म में. मीन टर्म का मतलब भी सेम है कि हर एक मीन टर्म में सारे के सारे इनपुट वेरिएबल क्या होने चाहिए प्रेजेंट होने चाहिए. ठीक है तो अगर आपको मीन टर्म चाहिए तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा अगर वो नहीं है तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में ये चेक कर लेते हैं कि क्या कैनोनिकल फॉर्म में गिवन है. तो अगर आप इक्वेशन को यहां पर ध्यान से देखते हो तो ये जो टर्म है आपका वन उसमें सिर्फ ए है जबकि आपके टोटल इनपुट वेरिएबल कितने हैं ए बी सी. ठीक है ना तो सिर्फ ए है अगर तो इसका क्या मीनिंग है कि पहले टर्म में बी और सी नहीं है. तो आपको क्या करना पड़ेगा बी और सी को पहले टर्म में इंक्लूड करना पड़ेगा इंसर्ट करना पड़ेगा. ठीक है सेकेंड में अगर आप देखो सेकेंड टर्म खाली बी बार सी है तो उसमें ए नहीं है. ठीक है ना
आपको टोटल वेरिएबल नहीं देखने हैं, आपको जो हर एक प्रोडक्ट टर्म है, यहां पर टोटल दो टर्म है आपके, तो दोनों दोनों टर्म में आपका ए बी सी अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमें यहां पर बी ऐड करना है और सी ऐड करना है ए में। अब यहां पर एक बात को फिर से आप समझ लो, मैं पहले भी बोल चुका हूं एक बार कि अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो हमेशा वन से मल्टीप्लाई करो, अगर आपको ऐड करना है तो हमेशा जीरो से ऐड करो। तो यहां पर अगर आप देखते हो, यहां पर आपको बी और सी किस में चाहिए, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में चाहिए ना, ए के साथ आपको बी इंटू सी चाहिए। तो अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो हमेशा किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, वन से। तो यहां पर b प्लस बी बार वन, c प्लस सी बार सेम, b बार c में क्या कमी है आपकी, a की, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, a प्लस a बार से, ठीक है ना। आप डायरेक्ट b इंटू सी या डायरेक्ट a इंक्लूड नहीं कर सकते ना, उससे आपकी इक्वेशन की मीनिंग क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्लियर। सो यहां पर कितना हो जाएगा अगर आप मल्टीप्लीकेशन कर दो तो ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बार बी सी। बस मैंने यहां पर क्या किया है, सारे के सारे ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो यहां पर अब अगर आप देखते हो तो आपका जो y है जो कि तीन इनपुट वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, उसका जो इक्वेशन हमने अब लिख लिया है उसमें टोटल आपके 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं, और टोटल 6 टर्म में हर एक टर्म में अगर आप जाकर देखते हो तो तीनों के तीनों इनपुट वेरिएबल आपके प्रेजेंट है, देख सकते हो एबीसी 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 सब में है प्रेजेंट वो, ठीक है। तो यहां पर कैनोनिकल फॉर्म हमने अचीव कर लिया है। अब हमारा टारगेट क्या है, बस काउंट कर लेना है कितने टर्म्स आ रहे हैं, वही आपके क्या कहलाएंगे, मीन टर्म्स कहलाएंगे। लेकिन यहां पर एक केयरफुल हमें रहने की जरूरत है, वो क्या है, ये जरूर चेक कर लो कि कोई टर्म रिपीट तो नहीं हो रहा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में बोल दिया है कोई टर्म रिपीट हो रहा हो तो उसको आप एक टर्म से रिप्लेस कर सकते हो। तो आप देखो, अगर आप देखोगे यहां पर तो कौन सा टर्म आपका रिपीट हो रहा है, यस ये टर्म है ए बी बार सी, ये आपका दो बार आ रहा है, ठीक है ना। तो एक को आप कैंसिल कर दोगे तो टोटल कितने मीन टर्म्स हो गए आपके, फाइव, और कोई टर्म हमारा रिपीट यहां पर नहीं हो रहा है, क्लियर है अच्छे से। तो अगर टोटल नंबर ऑफ मीन टर्म्स पूछा होगा तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फाइव, और हो सकता है आपसे ये पूछा हो सिग्मा एम, चार ऑप्शन में आपको सिग्मा एम गिवन हो तो यहां पर आप सिग्मा एम के फॉर्म में भी इसे लिख सकते हो। तो आप देख लो ए बी सी मीन्स 111, ए बी सी बार 110, ए बी बार सी 101, ए बी बार सी बार 100, ए बार बी सी 011, ठीक है। तो यहां पर ए बी सी मतलब 7, 110 क्या है आपका, 6, 101 कितना है आपका, 5, 100 ये कितना हो जाएगा आपका, 4, और 011 कितना हो जाएगा हमारा, 3। तो ये आपका आंसर इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, क्लियर है सबको अच्छे से कि हम किस तरीके से नंबर ऑफ मीन टर्म्स निकाल सकते हैं या किस तरीके से हम एक नॉन कैनोनिकल फॉर्म को कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सबको वॉइस आ रही है, ओके। सो नाउ नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे अब पीओएस फॉर्म। एसओपी फॉर्म अंडरस्टैंड कर लेने के बाद पीओएस फॉर्म भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। यहां पर देखो पीओएस फॉर्म में आपको क्या ध्यान रखना है, पीओएस फॉर्म में 0 मीन्स ए, 1 मीन्स ए बार, ठीक है, जस्ट अपोजिट हो गया, ठीक है। यहां पर एक और पॉइंट है, होता क्या है कि जो डिजिटल लॉजिक है ना, जो हमारा कंप्यूटर है, वो 0 1 उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि 0 है कि 1 है, लेकिन हमारा माइंडसेट क्या होता है कि हम हमेशा 1 को बड़ा मान के चलते हैं और 0 को स्मॉलर मान के चलते हैं, ठीक है। तो
जनरली जब जीरो को ए लेना होता है और वन को ए का बार लेना होता है तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती कर जाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगता है तो आप हमेशा एसओपी फॉर्म ही यूज करो, ठीक है। जहां आपको लगे कि पीओएस फॉर्म यूज करना बहुत ज्यादा कंपलसरी है या उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तभी यूज करो, बाय डिफॉल्ट एसओपी ही यूज करना चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी आएंगी जहां पीओएस फॉर्म यूज करने से आपको फायदा मिलेगा, टाइम कम यूज होगा, तब आप पीओएस यूज करो, क्लियर। तो पीओएस फॉर्म जो होता है प्रोडक्ट ऑफ सम्स, ये क्या होता है आपका, मान लो यहां पर भी एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 0001 1011, सेम एग्जांपल मैं ले रहा हूं, ठीक है। दो इनपुट वेरिएबल हैं आपके और वाई आपका आउटपुट है, फिर से दो इनपुट वेरिएबल हैं तो चार कॉम्बिनेशन है 0 1 2 3। यहां पर अब अगर मैं पीओएस फॉर्म में से रिप्रेजेंट कर दूं तो पीओएस फॉर्म प्रोडक्ट ऑफ सम्स, लास्ट क्या था, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, मींस प्रोडक्ट्स टर्म को सम करना था। अब यहां पर आपको क्या करना है, सम वाले फॉर्म को, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ सम्स, क्लियर, मींस आपको सम वाले फॉर्म को क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो यहां पर आप देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या होगा कि आपको जीरो जीरो देखना है, जो भी आउटपुट जीरो आ रहा होगा उसके रेस्पेक्ट में आपको टर्म्स लिखने हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो जीरो जो आ रहा है जीरो जीरो, ठीक है, तो जीरो जीरो मीन्स ए प्लस बी, मीन्स यहां पर जो आप इंडिविजुअल टर्म लिखोगे ना वो समेशन के फॉर्म में होगा, प्रोडक्ट ऑफ सम्स, उनका आपको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो ए प्लस बी इन टू, यहां पर देखो नेक्स्ट जीरो कहां पर आ रहा है, ये आ रहा है। अब देखो आप ए क्या है, वन, मतलब ए बार, और बी क्या है आपका, जीरो मीन्स बी, ठीक है। मतलब जहां पर जीरो आ रहा हो उसको नॉर्मल फॉर्म में लिखना है वेरिएबल को, जहां पर वन आ रहा हो उसको कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखना है, क्लियर है अच्छे से। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन है। तो यहां पर आप देख सकते हो जितने जीरो होंगे उतने ही आपके सम टर्म आएंगे जिनका आपस में प्रोडक्ट किया गया है, तभी इसका नाम है प्रोडक्ट ऑफ सम्स। तो अब अगर आप देखो हर एक सम टर्म को आप बोलते हो मैक्स टर्म, जैसे वहां पर एसओपी में हर एक प्रोडक्ट टर्म को हम क्या बोलते थे, मीन टर्म, यहां पर हर एक सम टर्म को क्या बोलेंगे, मैक्स टर्म बोलेंगे। और एक और पॉइंट, चाहे पीओएस हो चाहे एसओपी हो, कभी भी आपको काउंटिंग, ठीक है, काउंटिंग आपको हमेशा यूज करनी है, आपको कभी भी ट्रुथ टेबल गिवन नहीं होगा, इस पॉइंट को माइंड में रखना है। तो क्या हो जाएगा, देखो आप यहां पर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के लिए हम ये साइन यूज करते हैं, पाई जैसा दिखता है, कैपिटल एम मीन्स मैक्स टर्म, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, कौन कौन से मैक्स टर्म है, जीरो और टू, मतलब जहां जहां पर जीरो आ रहा हो। तो अगर आपको काउंटिंग आती होगी तो अगेन आप देख लोगे जीरो और टू पाई एम लिखा है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, मीन्स जीरो और टू पर आपका आउटपुट क्या है, जीरो है। तो जीरो मीन्स जीरो जीरो, तो आप बड़े आराम से लिख लोगे, टू मीन्स वन जीरो, अगेन आप लिख पाओगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको माइंड में रखना है। एक और पॉइंट है यहां पर, अगर आप देखते हो पाई एम जीरो कॉमा टू लिखा है, क्या इससे हम सिग्मा एम लिख सकते हैं डायरेक्टली, सिग्मा एम अगर आप देखोगे, सिग्मा एम का मतलब क्या होता है, सिग्मा एम का मतलब यह होता है आपका कि आपका कहां कहां पर वन है। तो अगर आपको डायरेक्टली पाई एम पता है 0.2 है और आपको यह पता है कि ए कॉमा बी जो है आपके टोटल चार कॉम्बिनेशन आपको देंगे, तो अगर 0.2 पर आपका जीरो है तो कहां कहां पर वन होगा, 1.3 का। इसका मतलब क्या है आपका कि अगर आपको पीओएस फॉर्म पता है तो
तो आप एसओपी फॉर्म भी लिख सकते हो, एसओपी पता है तो आप पीओएस भी लिख सकते हो बड़े आराम से। क्लियर यहां तक अच्छे से? नाउ सपोज करो अगर मैं ऐसा कुछ लिखूं यहां पर ए कॉमा बी कॉमा सी सिग्मा एम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन यहां पर यह है कि इसके लिए आप पीओएस फॉर्म लिखने के लिए ट्राई करो। तो अगर आप इसके लिए पीओएस ट्राई करते हो तो पीओएस का मतलब क्या है कि एसओपी में जो जो नंबर नहीं है वो पीओएस में आ जाएंगे। तो टोटल आप देखोगे कितने वेरिएबल हैं आपके, 3 वेरिएबल्स हैं, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 8 ठीक है। तो 8 कॉम्बिनेशन में 0 से 7 तक पूरे के पूरे 8 कॉम्बिनेशन यहां लिखे हुए हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि सभी के सभी कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट क्या है आपका, 1 है। इसका मतलब कहीं भी आउटपुट आपका 0 नहीं है। इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग यह होगा कि आपका पीओएस फॉर्म जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। पीओएस फॉर्म तब एग्जिस्ट करता है जब किसी भी कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट 0 हो। यहां पर किसी भी कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट 0 नहीं है, सारे के सारे कॉम्बिनेशन के लिए आपका आउटपुट क्या है यहां पर, 1 है। क्लियर है? कई बार मैंने देखा है एग्जाम में कुछ स्टूडेंट्स लिख देते हैं 0 नहीं लिखना है, 0 इटसेल्फ एक वैल्यू है ठीक है ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपको आंसर लिखना है डज नॉट एग्जिस्ट ठीक है। तो जब सारे कॉम्बिनेशन एक फॉर्म में आ जाएंगे तो दूसरा फॉर्म आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, यह पॉइंट आपको माइंड में रखना है हमेशा ठीक है। इसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं डिस्कस करूंगा अभी आपके साथ, अगर आप इसे सॉल्व करो, इसे अगर आप सॉल्व करते हो तो जो स्टार्ट से पढ़ रहे हो उनको क्लियर होगा ट्रांसपोजिशन जो हम पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल में। ट्रांसपोजिशन क्या था, देख सकते हो यहां पर बी बी दोनों में कॉमन है ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, बी प्लस ए इंटू ए बार, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी ठीक है। अगर आपको ट्रांसपोजिशन यूज करते नहीं भी बनता तो आप नॉर्मली मल्टीप्लीकेशन कर दो, ए इंटू ए बार 0, ए इंटू बी ए बार बी, बी इंटू बी, आप नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करोगे सॉल्व करोगे फिर भी आपका आंसर वही आने वाला है। लेकिन जैसा मैंने आपको अच्छे से सिखाया है कि आपको ट्रांसपोजिशन हमेशा माइंड में रखना है ठीक है। तो यहां बी कॉमन था आपका, तो बी आपका फर्स्ट वेरिएबल बन जाएगा, फर्स्ट वेरिएबल प्लस सेकेंड इंटू थर्ड ए इंटू ए बार, ए इंटू ए बार क्या होता है आपका, 0। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट यहां ट्रांसपोजिशन लगाना नहीं है, वो तो आप ऑलरेडी सीख चुके हो। इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि जो आंसर आया है ना वो आप देखो ध्यान से, अगर आपने एसओपी फॉर्म का नोट किया हुआ है जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, तो आप अपने नोट्स में देखो कि जो वाई है आपका मैंने सेम लिया है, एसओपी फॉर्म में मैंने 0101 लिया था, पीओएस फॉर्म का एग्जाम्पल देने के लिए भी मैंने 0101 ही लिया है ठीक है। और देखो एसओपी फॉर्म में भी सॉल्व करने के बाद बी ही आया था, पीओएस में भी सॉल्व करने के बाद क्या आया आपका, बी ही आया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि चाहे आपका एसओपी फॉर्म हो चाहे आपका पीओएस फॉर्म हो, दोनों ही केस पे जो आपका आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा ठीक है। ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन की डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है और कुछ भी नहीं। तो आपको एग्जाम में जो टेक्निक अच्छी लगती है आप हमेशा उसे ही यूज करो जब आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हो। क्लियर है अच्छे से? तो यहां पर अगेन अगर हम बात करें तो ये जो आपका फॉर्म था ये आपका कहलाता है कैनोनिकल, और जो फाइनल बी आया है सॉल्व करने के बाद वो आपका कहलाता है मिनिमल फॉर्म ठीक है। तो मिनिमल फॉर्म एंड कैनोनिकल फॉर्म, यहां पर भी आपके दो टाइप्स के फॉर्म होंगे। तो एग्जाम में अगेन एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिनिमल फॉर्म को कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करो, या ये पूछा जा सकता है
कि नंबर ऑफ मैक्स टर्म क्या होंगे। तो अगर आप यहां पर देखते हो जो मैक्स टर्म है वो कौन से टर्म है आपके, जो इंडिविजुअली सम टर्म है। तो मैक्स टर्म आपको कितने मिले थे इस एग्जांपल में, दो मिले थे। जितने जीरो थे हर एक जीरो के रेस्पेक्ट में आपको मैक्स टर्म मिला था, ठीक है। तो अगेन मैक्स टर्म में भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हर एक मैक्स टर्म में आपके सारे के सारे इनपुट वेरिएबल क्या होने चाहिए, प्रेजेंट। आप देख सकते हो हर एक सम टर्म में यहां पर आपके दोनों के दोनों इनपुट वेरिएबल प्रेजेंट थे, ए प्लस बी, ए बार प्लस बी। तो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जहां पर हम नॉन कैनोनिकल फॉर्म को कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर एक क्वेश्चन है आपके लिए, y a कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस सी बार, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। यहां पर हमें अब यह समझना है कि किस तरीके से हम नंबर ऑफ मैक्स टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं और हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैनोनिकल फॉर्म। तो सबसे पहले यह समझना इंपॉर्टेंट है कि क्या यह नॉन कैनोनिकल फॉर्म है भी कि नहीं, डायरेक्ट कैनोनिकल तो नहीं है। अगर डायरेक्ट कैनोनिकल है तो हम एफ और डी क्यों लगाएं। देखो ध्यान से, कितने इनपुट वेरिएबल हैं यहां पर, तीन है, थ्री इनपुट वेरिएबल्स हैं। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको, आउटपुट में भी तीनों के तीनों इनपुट वेरिएबल दिख रहे हैं लेकिन वो कैनोनिकल फॉर्म नहीं है। कैनोनिकल फॉर्म मैंने आपको क्या समझाया है, प्रोडक्ट ऑफ सम हम पढ़ रहे हैं ना, पीओएस। पीओएस का मतलब क्या है कि हर एक सम टर्म में, हर एक सम वाले जो टर्म है आपका उसमें तीनों के तीनों इनपुट वेरिएबल प्रेजेंट होने चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है ना। जो आपके सम टर्म है वो आपस में प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। तो देखो आपका ये एक सम टर्म है और ये एक सम टर्म है, क्योंकि ये दोनों ही आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं। जो आपस में प्रोडक्ट हो रहे होंगे वही क्या होंगे आपके लिए, सम टर्म होंगे, प्रोडक्ट ऑफ सम में। तो आप देखो पहला वाला जो सम टर्म है ए, उसमें बी और सी तो है ही नहीं, और जो सेकंड वाला सम टर्म है उसमें भी आपका ए प्रेजेंट नहीं है। तो इसलिए अब हमें क्या करना होगा, हमें ए में बी और सी को इंसर्ट करना होगा और बी प्लस सी बार में ए को इंसर्ट करना होगा, जिससे कि हर एक जो सम टर्म है उसमें तीनों के तीनों इनपुट वेरिएबल प्रेजेंट हो जाएंगे। अब देखो मैं वन बाय वन कर रहा हूं। सबसे पहले ए में हम बी और सी को इंसर्ट करते हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, प्रोडक्ट ऑफ सम में जो हर एक टर्म होता है वो सम टर्म होता है, मतलब ए के साथ जो बी और सी हमें इंसर्ट करना है वो प्लस में करना है। एसओपी में प्रोडक्ट टर्म होते थे तो हम जो बी और सी इंसर्ट अगर करते तो मल्टीप्लीकेशन में करते, यहां पर इंडिविजुअल टर्म आपके सम टर्म होते हैं तो हमें बी और सी को प्लस में इंसर्ट करना है। और मैंने आपको तीन से चार बार बता दिया है आज ही की क्लास में कि जब भी आपको मल्टीप्लाई करना हो वन से करो, जब भी ऐड करना हो किससे करो, जीरो से करो। तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू बी बार, अगर मैं सबसे पहले बी को इंसर्ट कर लूं, क्योंकि बी इंटू बी बार क्या होगा, जीरो, ठीक है। तो ट्रांसपोजिशन मैं वापस से आपके लिए लिख देता हूं, यहां पर ए प्लस बी सी कितना होता है हमारा, ए प्लस बी ए प्लस सी, ट्रांसपोजिशन जो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं आज की क्लास में। तो देखो a प्लस बी बी बार मीन्स ए प्लस बी इंटू सी, तो आंसर क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी बार, ठीक है। ये ट्रांसपोजिशन लिखा हुआ है, a प्लस फर्स्ट प्लस सेकेंड इंटू थर्ड, फर्स्ट प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट प्लस थर्ड, तो फर्स्ट प्लस सेकेंड फर्स्ट प्लस थर्ड, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों टर्म्स में सी सी एड करना है। तो क्या करोगे आप, a प्लस बी प्लस सी सी बार, a प्लस बी बार प्लस सी सी बार, ठीक है ना। जब भी एडिशन करना हो ना हमेशा जीरो से ही करना है थ्रू आउट द सिलेबस, और वैसे भी किसी और सब्जेक्ट में भी जब भी आपको एडिशन करना है और मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए तो हमेशा किससे करो, जीरो से। अब इसको ध्यान से देखो, आपको क्या करना है, आपको जनरेट करना है a प्लस बी प्लस सी इस तरीके का फॉर्मेट,
ठीक है, तो आप क्या करो, फिर से ट्रांसपोजिशन लगाओ, ए प्लस बी को मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड, इसको मान लो थर्ड. मींस ए प्लस बी फर्स्ट हो गया, सी हो गया सेकंड, सी बार हो गया थर्ड. तो क्या होगा आंसर, ए प्लस फर्स्ट प्लस सेकंड इंटू थर्ड, फर्स्ट प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट प्लस थर्ड. तो आंसर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट प्लस थर्ड. क्लियर, अच्छे से. सेम यहां पर भी अब डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, ए प्लस बी बार प्लस सी, ए प्लस बी बार प्लस सी बार. ठीक है, और देखो अभी हम क्लास में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल आराम आराम से कर रहे हैं. ठीक है, एग्जाम में आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना. एग्जाम में बस आप समझ लो, अगर आपको ए में बी और सी एंटर करवाना है, बी और सी के कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं टोटल, चार, बी प्लस सी, बी बार प्लस सी बार, बी बार प्लस सी, ठीक है, और बी प्लस सी बार. ठीक है, देखो बी प्लस सी, बी प्लस सी बार, बी बार प्लस सी, बी बार प्लस सी बार, चारों के चारों कॉम्बिनेशन ना ऐड करके डाल दो बस, और कुछ नहीं करना. ठीक है, वो प्रैक्टिस के साथ ऑटोमेटिक माइंड में फिट होता चला जाएगा आपके. क्लियर है, लेकिन यहां हमने पूरा प्रोसेस देखा कि किस तरीके से हम एंटर करते हैं, किसका इस्तेमाल करना है. फिर से देखो ट्रांसपोजिशन का, जो मैंने आपको बोला थ्रू आउट द सिलेबस, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र है पूरा, इसको आपको हमेशा माइंड में रखना है. नाउ अब हमारा नेक्स्ट टर्म कौन सा है, बी प्लस सी बार. तो बी प्लस सी बार, इसमें अब हमें क्या ऐड करना है, ए. तो अगेन हमें पता है कि हमें जीरो को ऐड करना है, मतलब ए इंटू ए बार ऐड करना है. अगेन ट्रांसपोजिशन लगाओगे, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, और ये हो गया आपका थर्ड. तो कितना आ जाएगा, वन प्लस टू, वन प्लस सेकेंड इंटू वन प्लस थर्ड. तो बी प्लस सी बार प्लस ए, बी प्लस सी बार प्लस ए बार. ठीक है, चूंकि हमारे क्वेश्चन में ए को पहला वेरिएबल दिया है, बी को दूसरा और सी को तीसरा, तो हम उसी फॉर्मेट में लिख लेते हैं. आपको पता ही है, चाहे आप 2 प्लस 3 प्लस 4 लिखो, चाहे 4 प्लस 3 प्लस 2 लिखो, मीनिंग सेम होती है. तो प्लस में हम लिख लेते हैं यहां पर ए प्लस बी प्लस सी बार, और यहां पर क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी प्लस सी बार. ठीक है, तो यहां पर हमने दोनों के दोनों जो हमारे टर्म्स थे, ए था और बी प्लस सी बार था, दोनों को ही हम लोगों ने कैनोनिकल फॉर्म में लिख लिया, मैक्स टर्म के फॉर्म में लिख लिया. अब यहां पर देखो, ए और बी प्लस सी बार दोनों के दोनों टर्म आपस में क्या है, मल्टीप्लाई है. तो आपको भी अब क्या करना होगा, आपने जो ए को लिखा है, ए को क्या लिखा है, ये रहा आपका ए, और जो बी प्लस सी बार को लिखा है, ये रहा आपका. तो ये पूरे के पूरे जो सिक्स ब्रैकेट्स हैं आपके, वो क्या हो जाएंगे आपस में, मल्टीप्लाई, और आपका लिखा जाएगा वाई. ठीक है, तो अब आप सिर्फ ये चेक कर लो कि कोई टर्म रिपीट तो नहीं हो रहा. अगर कोई टर्म रिपीट हो रहा है तो आप उसको हटा सकते हो, हटाना ही है एक्चुअल में. तो देख देते हैं हम लोग, ए प्लस बी प्लस सी बार, यस आप देख सकते हो ए प्लस बी प्लस सी बार ए के एक्सपांशन में भी था और बी प्लस सी बार के एक्सपांशन में भी है. इसको भी चेक कर लेते हैं, ए बार प्लस बी प्लस सी बार, ये आपका ए के एक्सपांशन में कहीं भी नहीं है. ठीक है, तो बस आपका ये वाला टर्म रिपीट हो रहा है, इसको हटा सकते हैं हम लोग. तो टोटल आपका कितना बचा, वन टू थ्री फोर फाइव. तो ये आपके फाइव मैक्स टर्म है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, टोटल मैक्स टर्म्स आर फाइव. नाउ हो सकता है कि एग्जाम में आपसे टोटल मैक्स टर्म की जगह पाई एम में आंसर पूछ ले. ठीक है ना, कौन कौन से मैक्स टर्म प्रेजेंट है ये पूछ ले, तो वो भी हमें लिखना आना चाहिए. तो देख लो आप, ए बी सी, ध्यान रखना इसमें कोई गलती नहीं करनी है कि आप पीओएस फॉर्म पढ़ रहे हो. पीओएस फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में है वेरिएबल तो क्या होगा, जीरो, कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है तो वन. तो ए बी सी मतलब जीरो जीरो जीरो, ए प्लस बी प्लस सी बार जीरो जीरो वन, ए प्लस बी बार प्लस सी जीरो वन जीरो, ए जीरो बी बार वन सी बार वन, एंड लास्ट ए बार मीन्स
1, B 0, C bar 1. क्लियर यहां तक अच्छे से? तो आप देख लो 0 0 0 कितना हो जाएगा, 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 1 1 3 और एट लास्ट 1 0 1 ये हो जाएगा आपका 5. देख लो मैंने काउंटिंग यहां से हटाई नहीं है, आप बड़े आराम से चेक कर सकते हो. ठीक है, क्लियर है सबको अच्छे से? तो आज की क्लास में मैं एसओपी फॉर्म और पीओएस फॉर्म तक ही स्टॉप कर रहा हूं, लेकिन यहां पर मैं 4 वेरिएबल्स तक की गिनती लिख रहा हूं आपके लिए बोर्ड में. जिनको नहीं आती है वो घर में आज ही प्रैक्टिस करो और 4 वेरिएबल तक की गिनती आपको डायरेक्ट आप बता पाओ, इस तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए. ठीक है, तो अगर 4 वेरिएबल्स हैं आपके ए बी सी डी, तो 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1000 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 4 times 1. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ठीक है, तो यहां पर ये आपकी काउंटिंग हो जाएगी कंप्लीट. ठीक है, 0, 1, 0, 0. ये आपका 4 रह गया था यहां पर. देन 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15. तो ये काउंटिंग आपको हमेशा आनी चाहिए. ठीक है, 0, 1, 0 यहां पर रह गया था तो मैंने लिख दिया है उसे. ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब आगे का जो बुलियन का जो टॉपिक है वो स्टडी करेंगे.